हेलो श्री राधे, श्री राधे श्याम, हेलो हेलो श्री राधे, श्री राधे श्याम, हेलो हेलो श्री राधे श्याम, हेलो हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा, मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनोहरि। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुज बन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम बाणानामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात्जातम नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांग, सीता समारोपितवावभागम, पांडो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथ। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। मूक होई बाचाल अंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सो बुद्धि राशि शुभ गुण सर। बोली आदि शक्ति मैया की, बोले शंकर भगवान की, बोले संत समाज की, बोले सनातन धर्म की, हनुमान जी महाराज की, भैया माता की, जगास्थान की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, बोले भक्त और भगवान की। इस मंगलमयी कथा के आयोजक कमेटी के हमारे समस्त दादा भैया लोग, समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी सभी के महान सहयोग से ये 7 दिवसीय जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आज इस कथा का चतुर्थ दिवस की रात्रि कालीन वेला को आप सभी लोग सफल बनाने के लिए चल रहे हैं। धर्म पंडाल में उपस्थित दूर दूरांतर से आए हुए विद्वजन संत महात्मा एवं कथा के सुनने वाले भगवत प्रेमियों, सती सावित्री अनुसुईया के पग चिन्हों पर चलने वाली देवी स्वरूपा माताएं बहने और नन्हे मुन्हे करढ़ाल बाल गोपाल परम पूज गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि अभिनंदन एवं वंदन स्वीकार हो।
ये हमारे सम्माननीय ज्ञान कुमार दादा जी की तरफ से, उनकी धर्म पत्नी जी की तरफ से पुष्पहार 201 मुद्राओं का दान करके सम्मानित किया। कामना है भगवान से, देवी जी को भगवान सदा सुखी एवं संपन्न बनाए रखे, हर चीज से परिपूर्ण रखे। और हमारे दादाजी की तरफ से हमारे जितने भी वाद्य कलाकार, संगीत कलाकार, इन भैया लोगों को माल्य अर्पण करके सम्मान किया। कामना भगवान से, भगवान सदा सुखी एवं संपन्न बनाए रखे, हर चीज से परिपूर्ण रखे। और 51 मुद्राओं का दान से सम्मानित भगवान सदा जीवन मंगलमय करें, अन्य धन की कभी कमी ना हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए अभी आप लोग भैया जी के मुखारविंद से भजन के माध्यम से सुंदर भाव श्रवण कर रहे थे। अवसर प्रथम माता रानी के श्री चरणों में ध्यान, और फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। बोलिए आदिशक्ति मैया की हो, कि मैया तेरे भक्तों को, मैया तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, मैया तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, मुश्किल पड़ी जब जब भी मुश्किल पड़ी, तूने ही संभाला है, निराशा ने
घेरा है परेशान हूँ, आखिर बचूं कैसे। मैया मैं तो एक इंसान हूँ, तेरी दया के बिना। मैया तेरी दया के बिना अपना ना गुजारा है। तेरी कृपा के बिना मिलता ना किनारा है। तेरी कृपा के को मिलता सहारा है। जो भी आए दरबार में सबको मिलता सहारा है।
मिला तेरे भक्तों को, मैया तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, मैया तेरे भक्तों को शक्ति मैया की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दो बार भगवान का पावन नाम, सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे भैया लोग अपने सुंदर सुंदर हाथों से ताली बजाते हुए सब लोग बोलेंगे, मन वाणी अंतःकरण पवित्र हो जाए और फिर चलते हैं भगवान की पावन चर्चा की तरफ। सभी लोग ताली बजाते हुए, सभी दादा भैया लोग, माताएं बहनें, सब लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे कि जीवन है बेकार, जीवन है बेकार, भजन कर दुनिया में, 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 हे भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया कर दुनिया में, जीवन 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 हर बेकार, भजन कर दुनिया में, जीवन है बेकार। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े इसमें भी हरि का गुण नहीं गावा, इसमें हरि का गुण नहीं गावा, इसमें हरि का गुण नहीं गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसमें भी हरि का गुण नहीं गावा, तो प्रिया न प्रिया न प्रिया न प्रभु से प्यार, भजन कर दुनिया में, दौलत और माल खजाने, धन दौलत और माल खजाने, धन दौलत और माल खजाने, हाँ जिनको समझे अपने जाने, जिनको समझे अपने जाने, जिनको समझे अपने जाने, हाँ धन दौलत और माल खजाने, धन दौलत जिनको समझे अपने जाने, जिनको समझे अपने जाने, जिनको समझे अपने जाने, ओ जाएगा 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 हाथ पसार, भजन कर दुनिया में, जाएगा हाथ पसार, भजन कर दुनिया में, जाएगा हाथ पसार, भजन कर दुनिया में, हाँ अपने गुरु की शरण में आओ, अपने गुरु की शरण में आओ, अपना जीवन धन्य बनाओ, अपना जीवन धन्य बना,
अपना जीवन धन्य बनाओ, अपना जीवन धन्य बनाओ, हो जावेगा हो जावेगा हो जावेगा रे उद्धार भजन कर दुनिया में, हो जावेगा उद्धार भजन कर दुनिया में, हो जावेगा उद्धार भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया सदगुरुदेव भगवान की, बोली आदि शक्ति मैया की, हनुमान जी महाराज की, बोली शंकर भगवान की। आइए चलते हैं परमात्मा की पावन चर्चा की तरफ। दोपहर की बेला में बहुत सुंदर भाव आप सभी भैया लोगों ने श्रवण किया, किस प्रकार से भगवान राम ने ताड़का का वध किया और सुबाहु का वध किया, अन्य जो राक्षस आए हुए थे उनको लक्ष्मण जी ने मार करके समाप्त कर दिया। वहां पर विश्वामित्र जी महाराज से कहा कि गुरुदेव अब आप जाकर के अपना यज्ञ कीजिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी महाराज ने क्या किया, जैसा भगवान राम ने कहा वैसा कर दिया। जिस समय यज्ञ करना प्रारंभ किया और भगवान राम के द्वारा आज विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ सफल हो गया। कुछ दिनों तक रुके आश्रम पर और वहां पर जो साधु संत महात्मा थे उन साधु संत महात्माओं को राक्षसों से निर्भय कर दिया, राक्षसों को मारा। अब आगे जिस समय बढ़े हैं राक्षसों को मारने के बाद, जब जनकपुर के लिए चले तो तुलसी बाबा ने अपनी मानस में संकेत कर दिया, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर सी चले मुनि बर के साथा। अब भगवान राम जो हैं लक्ष्मण जी के साथ में जनकपुर के लिए प्रस्थान किए, ध्यान दीजिएगा। अब भगवान राम तो जा रहे हैं जनकपुर के लिए और आप सभी लोग जानते हो जब महाराज जनकपुर जाएंगे, हेलो अजय यादव भैया जी की तरफ से फ्लाई बोट से ये पुष्पहार 101 मुद्राओं से सम्मानित किया, कामना मंगलमयी हो, भगवान सदा सुखियों संपन्न बनाए रखे, हर चीज से परिपूर्ण रखे। जो भैया जी घोरोपुर से पधारे हुए हैं कोट कोट आशीर्वाद की कामना है। बोलिए शंकर भगवान की। जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जब जनकपुर के लिए चले तो बाबा जी ने अपनी मानस में लिख दिया, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर सी चले मुनि बर के साथा। यानी प्रसन्न चित्त होकर के भगवान राम गुरु विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जनकपुर के लिए प्रस्थान किया। अब जनकपुर जा रहे हैं तो आप सभी लोग जानते हो कि जनकपुर में क्या होगा, भगवान राम का विवाह होगा। लेकिन जनकपुर में विवाह तो तभी होगा जब बिटिया होगी, ऐसे किसके साथ में विवाह हो जाएगा। लेकिन अभी तक आदि शक्ति का अवतार तो हुआ ही नहीं है,
अभी तक आदि शक्ति का अवतार नहीं हुआ है। तो आइए, इधर भगवान राम जनकपुर के लिए प्रस्थान किए हैं और तब तलक आज जनकपुर में आदि शक्ति का प्रागट करा दिया जाए। जब आदि शक्ति आएंगी तभी तो भगवान राम के साथ में आदि शक्ति का विवाह होगा। आदि शक्ति कौन है? भगवती सीता जी। सीता जी के 3 जन्मों की कथा आपको सुनने को मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा। 3रे जन्म में आकर के भगवती सीता बनी है, लेकिन ये 2 जन्मों में कौन रही और किसकी बेटी रही, ध्यान दीजिएगा। एक समय की बात, एक राजा थे जिनका नाम था महाराज सत्यकेतु। देखिए, परमात्मा की कथा, भगवान अनंत है और भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। कहीं कहीं पर यह भी भाव मिला है कि महाराज सत्यकेतु एक मुनि थे, और कहीं कहीं पर यह भी भाव मिला है कि महाराज सत्यकेतु एक राजा थे। महाराज सत्यकेतु एक राजा थे, इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम है किरणवती। महाराज सत्यकेतु जो हैं बड़ी ही प्रतापी राजा हैं, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। किसी प्रकार का अगर कोई कष्ट प्रजा में होता है तो जाकर के महाराज सत्यकेतु उस कष्ट का निवारण करते हैं। अगर जाकर के प्रजा में पूछा जाए कि राजा कैसा होना चाहिए, तो हर प्रजा के मुख से बस यही बात निकलती है कि अगर राजा हो तो महाराज सत्यकेतु जैसा, और राजा को ऐसा ही होना चाहिए। वो राजा ही क्या है, जिसकी प्रजा राजा से संतुष्ट ना हो तो फिर राजा कैसा है भैया? जिसकी प्रजा राजा से संतुष्ट ना हो तो फिर वो राजा कैसा है? और राजा इसीलिए बनाया जाता है कि अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आवे, किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, तो आप आकर के हमारे कष्ट का निवारण करें। अगर उस प्रजा में किसी से पूछा जाए तो हर किसी के मुख से बस एक ही बात निकलती है कि अगर राजा हो तो महाराज सत्यकेतु जैसा, क्योंकि ऐसा राजा जो हम सबको अपनी संतान के भांति, पुत्र के भांति मानता है, अपने लिए कभी कुछ नहीं करता है लेकिन हम लोगों के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन भैया, समय ऐसा होता है, अगर हमारे जीवन में अच्छा समय है तो लोग अच्छा कहेंगे, और अगर हमारे जीवन में बुरा समय आ गया तो आप चाहे जितना किसी को क्यों ना मानते हो, लेकिन अगर समय बुरा आएगा तुम्हारे जीवन में तो वो भी कहने से चूकने वाला नहीं है, वो भी कहने से चूकेगा नहीं। महाराज सत्यकेतु बड़े प्रसन्न रहते हैं अपनी पत्नी के साथ में, अपनी प्रजा की सेवा करते हुए जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन का जिक्र, महाराज सत्यकेतु का एक नियम था कि वो सुबह शिकार को जाते थे, रोज का नियम। आज भी महाराज सत्यकेतु जो हैं शिकार के लिए चले, सुबह का समय था। जिस समय शिकार के लिए निकले, नगर से होकर के जा रहे थे, इधर उधर देखते जा रहे थे कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई कष्ट में तो नहीं है। प्रातः का समय था, नगर की नारियां जो थी वो कुएं के पास में जल लेने आई थी, जल लेने आई थी। तो आप सभी लोग जानते हो, पहले एक नारी पहुंची, उसके बाद में 2, फिर 3, फिर धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। और जब भीड़ जमा हो गई, 2-4 हो गई, तो जहां पर हमारी माताएं बहनें 2-4 हो जाती हैं, तो दुनिया की बातें इकट्ठा हो जाती, दुनिया की बातें बतियाने लगी। आई थी कुएं के पास में जल लेने, पर बातें करने लगी, और कुएं के पास से ही होकर के मार्ग गया हुआ था महाराज सत्यकेतु। उसी मार्ग पर जैसे ही कुएं के पास से होकर के निकले, तो उन नारियों में से दो चार नारियां वहां पर थी, उनमें से एक नारी के मुख से निकल गया कि आज तो पूरा दिन ही बेकार हो जाएगा। तो जो अन्य नारियां थी उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, दिन क्यों बेकार होगा? तो कहा, दिन इसलिए बेकार हो जाएगा क्योंकि वो देखो जो राजा जा रहा है, ये राजा निर्वंशी है, और इस निर्वंशी राजा का मुख देख लिया तो दिन तो बेकार होगा ही। ए भैया,
अगर किसी के पुत्र न हो, किसी के संतान न हो, तो क्या उसका मुख देखने से हमारा दिन बेकार हो जाता है? बोलो भैया, क्या बेकार होता है? ये केवल हमारा भ्रम है, हमारी मति का भ्रम है, बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, दूसरे पर तो हम ये दोष लगा देते हैं कि फला भाई के घर में संतान नहीं है, वो बाप नहीं बन पाया, तो निर्वंशी है, उसका अगर मुख देखेंगे तो दिन बेकार होगा। चलो हमने मान लिया, लेकिन अगर आपके ही घर में कोई भैया ऐसा हो जाए, आपके ही घर में अगर कोई ऐसा सदस्य हो जाए, तो क्या आप घर बार छोड़ के कहीं चले जाओगे? वो तो सुबह भी दिखेगा, दोपहर भी दिखेगा और शाम भी दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? तो क्या उसके लिए आप घर छोड़ दोगे? किसी माँ बहन बेटी की अगर संतान नहीं होती है तो उसे समाज में जीना मुश्किल हो जाता है। अगर वो बाहर निकलती है तो अनेक नारियां विविध प्रकार के बातें करने लगती हैं कि ये देखो बांझ है, इसने कुछ पूर्व जन्म में गलत कार्य किए होंगे, गलत कर्म किए होंगे, तो आज इसने संतान का मुख नहीं देखा। बांझ है, कोई शगुन का कार्य होता है तो कहते हैं कि उसको उसमें मत लगा, वो बांझ है। ए भैया, हमें अपनी इन भ्रांतियों को निकालना चाहिए, ऐसी भ्रांति हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं, हम दूसरे पर उंगली उठा देते हैं, लेकिन दूसरे पर उंगली उठाने से पहले एक बात का ध्यान रख लेना कि जब हम दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं तो ये तीन उंगलियां जो है ये हमारी तरफ संकेत करती हैं कि पहले अपने आप को देख लो और बाद में दूसरे पर उंगली उठाओ। ये संकेत मिल रहा है? बोलो मिल रहा कि नहीं? किसी पर उंगली उठाओ, देखो तीन तुम्हारी तरफ हैं, यह संकेत मिलता है कि किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को देख लो कि तुम्हारे में कितनी कमियां हैं, तुम्हारे में कितनी कमियां, अपने आप में कितनी कमियां हैं। और जब हम अपने आप की कमियों को देखते हैं और अपने आप की कमियों को देखते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तो हम दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते, दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते। हम दूसरे पर कह देते कि वह माँ बहन ऐसी है, लेकिन अगर हमारे घर में कोई बहन बेटी ऐसी हो जाए तो क्या हम घर बार छोड़ के चले जाएंगे या उसको निकाल देंगे घर से? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी है, वो अपनी है। बस यही भ्रांति हमारे अंदर से निकल जानी चाहिए। इस संसार में अपना कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं, सभी अपने, कोई पराया नहीं। हम कहते हैं कि अगर किसी को किसी प्रकार का दुख है तो अगर ना उसके दुख को बांट पाओ तो कम से कम उसके दुख को बढ़ाओ भी ना। क्या ये धर्म हमारा है कि हम किसी के दुख को ना बांट सके तो उसके दुख को बढ़ाएं? हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले? वो तो परमात्मा है। परमात्मा की इच्छा होगी तो संतान होगी और नहीं इच्छा होगी तो नहीं होगी। भैया, नहीं इच्छा होगी तो संतान नहीं हो सकती, क्योंकि हमने आपको संकेत किया था, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले नए कौ फूल। उस परमपिता परमात्मा की इच्छा के बगैर हरे पत्ते की बात छोड़ दो, एक सूखा पत्ता भी पृथ्वी पर नहीं गिर सकता है, फूल नहीं खिल सकता है जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। आज नगर की नारियों ने जिस समय ये बात कही, आपस में बातें करने लगी, पर ये बात क्या उनको मालूम थी कि ये बात महाराज सत्यकेतु के कानों तक पहुंच जाएगी? पर अच्छी बात भले ही न सुनाई पड़े, लेकिन गलत बात बहुत जल्दी सुनाई पड़ जाती है, बहुत जल्दी सुनाई देती। महाराज सत्यकेतु के कानों में आवाज पड़ी, महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ, विचार किया कि हमारी ही बदौलत इनके घर में चूल्हा जलता है, हमारी बदौलत से ये भोजन करते हैं, और हमारे आज कोई संतान नहीं तो इनके मन में ऐसे विचार है। महाराज सत्यकेतु शिकार के लिए जा रहे थे, पर शिकार के लिए नहीं गए, वापस लौट आए, अपने राज महलों को वापस लौट आए। और जिस समय राज महलों को वापस लौटे, किरणवती ने महाराज सत्यकेतु को देखा तो विचार करने लगी कि अभी तो हमारे स्वामी शिकार के लिए गए और अभी वापस लौट आए, आखिर बात क्या हो गई? कोई न कोई बात तो जरूर हुई होगी, तभी तो ये लौट आए।
मन उदास देखा, किरणवती ने क्या किया, जाकर के तुरंत आसन डाल दिया और उसी आसन पर महाराज सत्यकेत को बिठा दिया। महाराज सत्यकेत बैठ गए, चरणों के पास स्वयं बैठ गई और कहने लगी, महाराज एक बात बताइए, स्वामी आप तो शिकार के लिए गए थे लेकिन आप इतनी जल्दी लौट आए, मुझे लग रहा है कि आप शिकार के लिए नहीं गए। क्या हुआ, आपका मन उदास क्यों है, आपका चेहरा उदास क्यों है? महाराज सत्यकेत ने कहा, नहीं देवी ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किरणवती ने कहा, आप कितना भी हमसे छुपाओ लेकिन आपका चेहरा आपका साथ नहीं दे रहा है, वो तो स्पष्ट मुझे बता रहा है कि आपको कोई दुख है। और महाराज अगर आपको कोई दुख है तो बताओ, मैं आपकी पत्नी हूँ, सुख दुख में साथ देना हमारा धर्म बनता है, आप बताइए क्या बात है? हो सकता है कि मेरे लायक कोई कार्य हो, जो मैं वो कार्य करूं आपका दुख दूर हो जाए, महाराज कुछ तो बताइए, कुछ तो बोलो। जब बहुत पूछा तो महाराज सत्यकेत ने कहा, देवी बात ये है कि अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि हमारा दुख क्या है, तो हमारे दुख का कारण तुम बन गई। जैसे इतनी बात कही, हमारे दुख का कारण तुम बन गई। किरणवती की आंखों से आंसू बहने लगे, महाराज मैं तुम्हारे दुख का कारण बन गई? अरे महाराज, जब से आप मुझे ब्याह करके लाए हो इन महलों में, आपके बिना पूछे मैंने इस महल के बाहर कदम तक नहीं रखा है, और आप कहते हो कि मैं आपके दुख का कारण बन गई। पर कैसे, जैसे इतनी बात कही पर कैसे, मुझे बताओ तो सही। महाराज सत्यकेत बोल पड़े, देवी हमारे दुख का कारण तुम सुनो किस प्रकार से बनी हो। अगर आज तुम्हारे कोई संतान हो गई होती तो शायद जो मैं सुन के आ रहा हूं वो मुझे सुनने को नहीं मिलता। बोल पड़े महाराज सत्यकेत, रानी किरणवती से बोले, देवी इतने दिन तक संतान नहीं, देवी इतने दिन तक संतान नहीं, सब दुनिया हंसी उड़ाती है, संतान नहीं, सब दुनिया हंसी उड़ाती है, देवी इतने दिन तक संतान नहीं, सब दुनिया हंसी उड़ाती है। और महाराज निबल कहे लाते हैं, महाराज निबल कहे लाते हैं, तो रानी बांझ कहाती है, महाराज निबल कहे लाते महाराज। सत्यकेत ने कहा, देवी इतने दिन हो गए, अगर तुम्हारे आज कोई संतान हो जाती तो लोग मुझे निर्वंशी न कहते और तुम्हें बांझ न कहते, मेरे दुख का कारण तुम बन गई। अगर तुमसे संतान हो जाती तो लोग मुझे निर्वंशी न कहते देवी। और जब इतनी बात कही तो आज किरणवती फूट फूट कर रोने लगी, स्वामी आपने मुझे दोषी ठहरा दिया, मुझे, शायद आपको ये नहीं मालूम है कि इसमें भी परमात्मा की इच्छा है, शायद भगवान की इच्छा नहीं है कि हमारे घर में कोई संतान हो, इसलिए हमसे कोई संतान नहीं हो रही। और रही बात कि मैं आपके दुख का कारण बन गई, तो आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। महाराज सत्यकेत ने कहा, क्या निवेदन करना चाहती हो? किरणवती कहने लगी, महाराज आपका निर्वंशी नाम मिट जाएगा, हमारे पास में एक उपाय है। तो कहा, कौन सा उपाय है? जिस समय कहा कौन सा उपाय है, किरणवती ने कहा, आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, जब आप दूसरा विवाह कर लोगे उस रानी से जो संतान हो जाएगी तो महाराज आपका निर्वंशी नाम मिट जाएगा, मुझे यह मंजूर है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज सत्यकेत ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है,
हम दूसरा विवाह कर लें। और शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है देवी, अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया तो मैं मानता हूँ कि संतान घर में हो जाएगी, लेकिन प्यारी प्यारी शादी करके और जीवन भर शादी ना होगी, इस घर की आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी, इस घर की। महाराज सत्यकेत ने कहा, देवी अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया तो मैं मानता हूं कि उस रानी से संतान हो जाएगी, मेरा निर्वंशी नाम मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारी क्या दशा होगी तुमने सोचा है? इसलिए देवी आज कह दिया, पर आज के बाद कभी दूसरे विवाह की बात मत कहना। और इतना कहकर के महाराज सत्यकेतु वहां से चले गए। अब किरणवती क्या करती है, बैठी आंगन में बेचारी रो रही और भगवान से कहती है कि हे प्रभु, सब कुछ तुमने मुझे दिया, ये धन दौलत मुझे ना देते, ये राजपाट मुझे ना देते, शानो शौकत मुझे ना देते, एक झोपड़ी दे देते, पर महाराज मुझे एक पुत्र जरूर दे देते, एक संतान जरूर दे देते, मैं झोपड़ी में रह करके अपना जीवन काट लेती, मांग करके दूसरों के घर से मैं भोजन कर लेती महाराज, लेकिन ये राजपाट न देते पर एक संतान दे देते। आज बोल पड़ी, इन महलों में एक संतान के बिना ये महल सोने लग रहे हैं। बहुत सुंदर भाव मिला, किस चीज के बिना क्या सुना है बताया गया कि कोयल बिना, कोयल बिना बगिया ना सो है रामा, कोयल बिना बगिया ना सो है रामा, कोयल बिना बिना गोदिया ना सो है रामा।
किरणवती आंगन में बैठ करके रोती है, विचार करती है, विलाप करती है कि प्रभु मुझे ये धन दौलत ना देते, इसमें किसी चीज की कमी कर देते तो चल जाता महाराज, लेकिन आपने एक संतान नहीं दी और एक संतान के बिना इन महलों से बाहर निकलना अब मुश्किल हो गया, इन महलों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। किरणवती ने क्या किया, महाराज सत्यकेत को बुलवाया। जिस समय महाराज सत्यकेत आए, किरणवती ने सत्यकेत को बिठाया और सामने बैठ गई, कहने लगी महाराज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे इतनी बात कही महाराज सत्यकेत ने कहा, कहो देवी क्या कहना चाहती हो। कहा महाराज आप नाराज तो नहीं होंगे। नहीं नहीं मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बताओ क्या कहना चाहती हो। कहा महाराज मैं वही बात फिर से आपसे कहना चाहती हूँ, आप हमारी बात मान लो और आप अपना दूसरा विवाह कर लो। महाराज सत्यकेत ने कहा, देवी एक बात कान खोल करके सुन लो, आज के बाद कभी मेरे से दूसरे विवाह के विषय में चर्चा मत करना, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। किरणवती कहने लगी, महाराज इन महलों में अब हमारा मन नहीं लग रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं अपना थोड़ा बगीचे को चली जाऊं, मन बहल जाएगा, मन बड़ा उदास है। जैसे इतनी बात कही महाराज सत्यकेत ने कहा, देवी अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैंने कब रोका है, मैंने कब रोका। इधर जैसे ही किरणवती से इतनी बात कही, किरणवती प्रसन्न हो गई कि मैं अपने बगीचे को जाऊंगी टहलने के लिए तो कुछ मन बहल जाएगा। लेकिन जैसे ही जाने का विचार बनाया, उसी समय क्या हुआ, नारद बाबा का पदार्पण हो गया। जिस समय नारद बाबा का पदार्पण हुआ, महाराज सत्यकेत ने देखा, रानी किरणवती ने देखा, दोनों लोगों ने प्रणाम किया। किरणवती प्रणाम करके वहां से चली गई। अब महाराज सत्यकेत जो थे नारद बाबा को बिठाया और बिठाने के बाद में स्वयं अपने राज सिंहासन पर बैठ गए। नारद बाबा ने महाराज सत्यकेत को चेहरे को देखा तो कहने लगे, राजन एक बात बताओ। क्या बात है महाराज? सत्यकेत ने कहा, कोई तो बात नहीं महाराज, सब तो ठीक है। नारद बाबा ने कहा, राजन हमसे छिपा रहे हो, हमसे? अरे हम आते ही आते जैसे तुम्हारे चेहरे को देखा था तो हम तुरंत पहचान गए थे कि तुम्हें कोई न कोई कष्ट है, कोई न कोई दुख है, बताओ राजन क्या बात है। महाराज सत्यकेत ने कहा, नहीं बाबा ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नारद बाबा बोल पड़े, सुनो राजन आज तुम हमसे जरूर कुछ न कुछ छिपा रहे हो, क्योंकि आज के पहले जब मैं कभी तुम्हारे पास आता था तो तुम्हारा चेहरा एकदम फूल की भांति खिला हुआ होता था, पर आज ये मुरझाया क्यों। बोले राजन दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने के, दिन है बसंत के खिलने के, पर कली सिकुड़ती जाती है। राजन मुझे बताओ, आज के पहले जब मैं तुम्हारे पास में आता था तो तुम्हारा चेहरा एकदम फूलों की भांति खिला हुआ होता था, पर आज ये मुरझाया क्यों है, बात क्या है, मुझे बात बताओ। कोई तुम्हारा दुश्मन तैयार हो गया या तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी हो गई है? अगर कोई दुश्मन तैयार हुआ हो तो उस पर धावा बोल दो, उस पर विजय श्री को प्राप्त करो, और यदि तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी हो गई हो तो दवा कराओ राजन। पर बात क्या है, मुझे बात तो बताओ, कुछ तो जरूर है, भले ही ना बताओ लेकिन मैं समझ गया कोई ना कोई चिंता तो तुम्हें जरूर है, बताओ क्या चिंता है। ए भैया अगर मन उदास होगा, अगर आपको कोई दुख होगा तो ऊपर से आप कितना भी हंसो लेकिन वो चेहरा बन नहीं पाता है, खुशी का चेहरा बन नहीं पाता। और आपका मन प्रसन्न हो,
आपका मन प्रसन्न हो, आप ऊपर से कितना भी बनावटी चेहरा रोया हुआ बनाएं, लेकिन फिर भी वो बन नहीं सकता है। कहने का मतलब, अगर हम प्रसन्न हैं तो हमारा चेहरा बता देगा, और यदि हम दुखी हैं तो हमारा चेहरा बता देगा कि हम दुखी हैं या फिर प्रसन्न हैं। नारद बाबा ने कहा, तुम्हारे चेहरे को देख करके मुझे लग रहा है राजन कि तुम्हें कोई चिंता है। और बताओ क्या बात है, चिंता लिए ना बैठे रहो, मुझसे बताओ बात क्या है। जब बहुत पूछा महाराज सत्यकेत जान ही गए कि ये जान ही गए हैं बाबा, तो कहा महाराज आपने ठीक पहचाना, मुझे चिंता है। कहा किस बात की, तुम तो राजा हो, पर राजा को किस बात की चिंता, तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं है, शरीर में बीमारी भी नहीं है, तो फिर तुम्हें चिंता किस बात की, किस बात का दुख है। कहा महाराज किसी बात का दुख नहीं, लेकिन एक बात का दुख है, और वही बहुत बड़ा दुख है, वही बहुत बड़ा दुख है। तो कहा कौन बहुत बड़ा दुख है, क्या है वो दुख। तो कहा महाराज दुख वो ये है कि सब कुछ तो है मेरे पास में, लेकिन एक संतान नहीं है, और एक संतान के बिना ये राज पाठ धन दौलत रुपया पैसा या कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर एक संतान हो गई होती महाराज तब तो ठीक था। जैसे इतनी बात कही नारद बाबा कहने लगे, अच्छा अच्छा बस मैं समझ गया, यानी तुम्हारे कोई संतान नहीं ना इसलिए तुम दुखी हो। हाँ महाराज कोई संतान नहीं। जैसे इतनी बात कही नारद बाबा ने कहा, सुनो राजन हम तुम्हें एक उपाय बताएं, अगर तुम वो उपाय कर लो तो मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि तुम्हारे घर में संतान होगी। हाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि पुत्र होगा, पुत्री भी हो सकती है। जब ये बात कही पुत्री भी हो सकती है, तो महाराज सत्यकेत ने कहा, बाबा हमारे घर में चाहे पुत्र हो जाए चाहे पुत्री हो जाए, पुत्र होगा तो भी हमारा निर्वंशी नाम मिटेगा, और पुत्री होगी तब भी हमारा निर्वंशी नाम मिटेगा। पुत्र पुत्री कुछ हो जाना चाहिए। जैसे इतनी बात कही तो नारद बाबा ने कहा, फिर ऐसा करो तुम जाओ और जा करके तपस्या करो, लेकिन अकेले नहीं। कहा फिर किसके साथ, कहा अपनी पत्नी को साथ में ले लो और दोनों लोग जाकर के जंगल में तपस्या करो, तपस्या के बल पर तुम्हें तुम्हारे घर में संतान होगी। लेकिन राजन अगर अकेले जाओगे तपस्या करने के लिए तो तुम्हें तपस्या का फल नहीं मिलेगा, अपनी पत्नी को जब साथ में लेकर के जाओगे तो तुम्हें तपस्या करने का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। कहते ना कब जब कोई धर्म का कार्य हम करने चले तो अपनी धर्म पत्नी को साथ में ले लेना चाहिए। अगर कोई आप पूजा पाठ अनुष्ठान करने जा रहे हो तो अपनी धर्म पत्नी को साथ में ले लो। मनु महाराज गए थे जिस समय तपस्या करने के लिए नैमिष की भूमि पर गोमती नदी के किनारे, तो बोलो शत्रुपा साथ में गई थी कि नहीं गई थी। अगर शत्रुपा मनु महाराज के साथ में ना जाती और मनु महाराज के साथ में तपस्या ना करती तो शायद मनु को ब्रह्म का दर्शन नहीं होता, लेकिन पत्नी को साथ में लेके गए तो ब्रह्म का दर्शन हुआ। वही बात नारद बाबा कह रहे हैं कि जब दोनों लोग जाकर के, पति पत्नी दोनों लोग जाकर के तपस्या करोगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हारे घर में संतान जरूर होगी। और इतना कहकर के नारद बाबा वहां से चले गए। अब महाराज सत्यकेत जाते हैं अपनी पत्नी किरणवती के पास और किरणवती से जाकर के बोले, देवी नारद बाबा ने हमें एक उपाय बताया है, अगर हम चलकर के तपस्या करें तो हमारे घर में संतान हो सकती है। देवी क्या तुम हमारा साथ दोगी, क्या तुम हमारे साथ तपस्या करने चलोगी। जैसे इतनी बात कही तो कहा महाराज जितना दुख आपको है संतान ना होने से, उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे भी है, इसलिए मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, आप चलिए। महाराज सत्यकेत ने क्या किया, अपना राजमहल छोड़ दिया और राजमहल छोड़ करके अपनी पत्नी किरणवती को साथ में लिया और साथ में लेकर के जंगल को चले गए तपस्या करने के लिए। जिस समय जंगल में गए एक वृक्ष के नीचे दोनों प्राणी बैठ गए, महाराज सत्यकेत और किरणवती दोनों प्राणी बैठ गए और बैठ करके तपस्या करने लगे। जिस समय तपस्या करने लगे साधु संत महात्माओं को ये खबर मिली कि यहाँ पर महाराज सत्यकेत अपनी पत्नी के साथ में तपस्या करने आए हैं। साधु संत महात्मा सोचने लगे इनके ऊपर कौन सी आफत आ पड़ी जो यहाँ तपस्या करने चले आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने ऐसे ही अफवाह उड़ा दी हो, अच्छा लाओ चल करके देख लेते हैं।
आज साधु संत महात्मा एक एक करके धीरे धीरे पहुंचने लगे, और जब पहुंचने लगे तो क्या देखा, वास्तव में बैठे हैं दोनों प्राणी, महाराज सत्यकेतु और किरणवती, दोनों लोग बैठे। अब साधु संत महात्मा जो वहां पर गए तो विचार किया कि जब ये राजा यहाँ पर बैठे तपस्या कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में, और हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो अब जब तक इनकी तपस्या पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से लौट करके अपने आश्रम पर नहीं जाएंगे। जब राजा यहाँ पर बैठा तो हम भी यहीं पर बैठेंगे। तो जितने साधु संत महात्मा पहुंचते गए वो सब जाकर के वहीं पर बैठते गए। अब सोचा कि खाली बैठने से कोई मतलब भी नहीं है, खाली बैठने से क्या मतलब, अब ये महाराज तपस्या कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं कुछ इनका सहयोग ही कर दिया जाए, खाली बैठने से क्या मतलब, कुछ सहयोगी कर दिया जाए। तो जितने साधु संत महात्मा वहां पर पहुंचे उन सब ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जीवन में जितनी भी हमने तपस्या की है, जितना भी पूजा पाठ किया है, उस सब पूजा पाठ का फल, उस तपस्या का फल इस राजा और रानी की मनोकामना को पूरा होने में लग जाए। बोलो संत जैसा परोपकार कोई कार्य करेगा भैया? संत जैसा परोपकारी कोई होगा? संत कभी अपने लिए कुछ नहीं करते, संत जो भी करते हैं वो हमारे और आपके कल्याण के लिए करते, समाज के कल्याण के लिए करते, संसार के कल्याण के लिए करते। अगर वो यज्ञ करते हैं तो संसार के कल्याण के लिए, अगर वो जाप करते हैं तो संसार के कल्याण के लिए, अगर वो पूजा पाठ करते हैं तो संसार के कल्याण के लिए, पर अपने लिए कुछ नहीं करते। बैठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, और इधर महाराज सत्यकेतु रानी किरणवती जिस समय तपस्या करने के लिए बैठे तो कुछ दिनों तक तो उन्होंने भोजन किया और भोजन करके तब तपस्या की, लेकिन देखा सफलता नहीं मिल रही तो भोजन करना छोड़ दिया। और जिस समय भोजन करना छोड़ा है तो अब की बार कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन सहे कठिन उपवासा, कछु दिन भोजन वारी बतासा, ओ कछु दिन सहे कठिन उपवासा। कुछ दिनों तक तो भोजन किया, भोजन करके तपस्या करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली तो भोजन करना छोड़ दिया कि अब भोजन नहीं करेंगे। कुछ दिनों तक उन्होंने वारी बतासे खाए, वारी बतासे जानते हो भैया कैसे कहते हैं? वारी बतासे, वारी माने पानी, वारी माने और पानी, और बतासे तो बतासे है ही है। अब ये वो बतासे नहीं, पानी वाले बतासे जो आप देख रहे हो ठेले पर बिकते हैं, है ना, ये वो पानी के बतासे नहीं। आपने देखा होगा ये कौन से वारी बतासे हैं? आपने देखा होगा जब बारिश होती है, अगर पृथ्वी पर कहीं जल भरा होता है, जब ऊपर से बारिश, जब एक जल की बूंद जो पृथ्वी पर जल भरा होता है जब उस जल में गिरती है तो एक पानी का बुल्ला बन जाता है, देखा है? बरसात में ज़्यादा देखने को मिलता है, उसी बुल्ले को वारी बतासा कहा गया है। कुछ दिनों तक तो महाराज सत्यकेतु किरणवती ने भोजन किया और फिर भोजन करना छोड़ दिया। कुछ दिनों तक ये वारी बतासे खा करके रहे, लेकिन फिर इन वारी बतासों को भी लेना छोड़ दिया, कठिन उपवास किया है, ना तो कुछ खाया और ना तो कुछ पिया। जब ना कुछ खाया ना कुछ पिया तो भगवान की कृपा हुई, साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला, भगवान की कृपा हुई। किरणवती जो थी तो किरणवती गर्भ से हो गई, और जिस समय किरणवती गर्भ से हुई तो किरणवती शशि त्रिया अनुहारी, किरणवती शशि त्रिया अनुहारी, शोभई गर्भवती असनारी, सो भाई गारा भवती असनारी।
किरणवती शशि प्रिया अनुहारी अशो भई गर्भवती आसनारी। आज महाराज सत्यकेतु रानी किरणवती की तपस्या सफल हुई, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा हुई, साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, किरणवती जो थी वो गर्भ से हो गई। और जैसे किरणवती गर्भ से हुई तो किरणवती की आंखें खुल गई। महाराज सत्यकेतु की आंखें खुली तो सामने संतों की भीड़ को देखा, संत लोग बैठे हुए हैं। जब संतों की भीड़ को देखा, महाराज सत्यकेतु रानी किरणवती ने मिलकर के दोनों लोगों ने प्रणाम किया। साधु संत महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, जाओ राजन, तुम जिसले यहाँ पर आए थे तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया। महाराज सत्यकेतु ने कहा, क्या अब हम अपने राज महलों को जा सकते हैं? साधु संत महात्माओं ने कहा, अब यहाँ पर बैठ करके करोगे भी क्या? अब यहाँ बैठ करके क्या करोगे? तुम जिस काम के लाए थे तुम्हारा वो काम पूरा हुआ, अब तो तुम जाओ अपने राजमहल। इधर महाराज सत्यकेतु अपनी पत्नी किरणवती को साथ में लेकर के अपने राजमहल चले आए। भैया राजमहल चले आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब समय व्यतीत होने लगा तो ये खबर पूरे नगर में फैल गई कि रानी किरणवती जो है वो गर्भ से है। पूरे नगर में ये खबर फैल गई। अब जब पूरे नगर में खबर फैली तो आज नारियां क्या करती हैं? महाराज सत्यकेतु के घर में आती हैं। नगर की जो नारियां थी महाराज सत्यकेतु के महलों में आती। अब जरा विचार करें, समय बदलते देर नहीं लगती है भैया, समय बदलते देर नहीं लगती। वही नारियां जो महाराज सत्यकेतु को निर्वंशी कहती थी और किरणवती को बांझ कहती थी, आज वही नारियां आकर के महाराज सत्यकेतु के घर में शगुन गीत गा रही है। और महाराज सत्यकेतु अगर चाहते तो बोलो, उन नारियों को अगर चाहते तो अपने घर में नहीं आने देते, अपने राज महलों में नहीं आने देते कि तुम ही लोग हो जो मुझे निर्वंशी कहती थी और मेरी पत्नी को बांझ कहती थी, अब मैं तुम्हें अपने महलों में नहीं आने दूंगा। लेकिन महाराज सत्यकेतु ने ऐसा नहीं किया। जो भी नगर की नारियां आती हैं महाराज सत्यकेतु उनको प्रेम के साथ महलों के अंदर जाने देते, अपने मुख से कोई बात नहीं कहते। इसीलिए कहते भैया कि हमें किसी को भला बुरा कहना नहीं चाहिए, भला बुरा कहना नहीं चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहना कहने वाले? जो कहेगा सो परमात्मा कहेगा, जो देगा सो भगवान देगा, हम किसी को क्यों कुछ कहें? नहीं कहना चाहिए। आज वही नारियां आकर के शगुन गीत गा रही। कैसे? और जरा ध्यान देंगे हमारी माताएं बहनें, जरा ध्यान देंगे और भैया लोग भी। किरणवती गर्भ से नगर की नारियां आकर के शगुन गीत गाती, कैसे कि ए ननदी कब से, ए ननदी कब से उठावई लागी सगुना, 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 ए ननदी कब से, ए ननदी कब से, ननदी कब से उठावै लागी सगुना, ए 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 ननदी कब से, हाँ उठावै लागी सगुना, उठावै लागी सगुना, उठावै लागी सगुना, कब से उठावै लागी सगुना, ए ननदी 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 कब से। जिस समय एक भाभी गर्भ से है तो उसकी जो ननद है जब जान जाती है कि हमारी भाभी गर्भ से है तो शगुन गीत गाती है। जब शगुन गीत गाने लगी तो भाभी अपनी ननद से कहती है, ननद एक बात बताओ, ये शगुन तुम कब से उठा रही हो, ये शगुन तुम कब से गा रही हो? तो ननद जो है वो भाभी को जवाब देती है, सुनो
जब से भाभी मोरी गर्भ जनायो, 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 ए भाभी तब से, ए भाभी तब से, ए भाभी तब से उठावै लागी सगुना, ए ननदी, ए ननदी कब से उठावै लागी सगुना, ए ननदी कब से उठावै लागी सगुना, क्या अपनी भाभी से, सुनो भाभी, अगर तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा तो मैं तुमसे जानती हूँ गले का हार लूंगी। भाभी ने कहा ठीक है, अगर पुत्र का जन्म हुआ तो हम जरूर तुम्हें गले का हार देंगे। और भगवान की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद, भाभी के पुत्र का जन्म हुआ। और जब पुत्र का जन्म हुआ तो ननद जो थी वो पहुंच गई, कहने लगी लाओ हार निकालो। भाभी ने कहा क्यों, कहा तुमने ही तो कहा था कि अगर पुत्र होगा तो हार दूंगी। अब भाभी अपनी बात में हार गई तो हार तो देना ही पड़ेगा। क्या किया भाभी ने, जाकर के हार निकाल करके लाई और अपनी ननद को दे दिया, लो भाई हार पहनो। आज ननद क्या करती, उस हार को अपने गले में पहन लिया और अपने भतीजे को गोद में लिया और गोद में लेकर के बोली क्या, हर वा पहने ननदी सुरजामा से उठावै लागी सगुना, ए ननदी कब से उठावै लागी सगुना, ए ननदी कब से उठावै लागी सगुना, ए ननदी कब से उठावै लागी सगुना, उठावै लागी सगुना, उठावै लागी सगुना, ए ननदी कब से उठावै लागी सगुना, ए ननदी कब से उठावै लागी से, ए ननदी कब से उठावै लागी सगुना, 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 ए ननदी कब से। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज नगर की नारियां आती हैं और आकर के महाराज सत्यकेत के घर में महलों में सगुन गीत गाती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब समय व्यतीत होने लगा, एक दिन वो समय आया, जब समय पूरा हुआ तो किरणवती के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, किरणवती के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और जिस समय सुंदर कन्या का जन्म हुआ, नगर में ये चर्चा फैल गई कि महाराज सत्यकेत के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। महाराज सत्यकेत ने उस समय पर बहुत दान बांटा, आज से मेरा निर्वंशी नाम छूट गया। अब भला कोई क्या मुझे निर्वंशी कहेगा। महाराज सत्यकेत तो सोच रहे हैं कि आज से हमारा निर्वंशी नाम छूट गया, मेरे घर में सुंदर कन्या आ गई तो मेरा निर्वंशी नाम छूट गया। महाराज सत्यकेत ने बहुत दान बांटा, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन
किरणवती जो थी वो महाराज सत्यकेतु से कहने लगी, स्वामी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। महाराज सत्यकेतु ने कहा, कहो देवी क्या कहना चाहती हो? अब तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बोलो क्या कहना चाहती हो? किरणवती ने कहा, महाराज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपनी बेटी को नाम से पुकारना चाहते। जैसे इतनी बात कही कि मैं अपनी बेटी को नाम से पुकारना चाहती हूँ, आप मेरी कन्या का नामकरण कर दीजिए। तो महाराज सत्यकेतु ने कहा, देखो देवी बात यह है कि हम अपनी कन्या का नामकरण अपने द्वारा नहीं करेंगे, अपने मुख से नहीं रखेंगे। तो कहा, फिर कौन रखेगा? कहा, नारद बाबा रखेंगे। क्यों नारद बाबा रखेंगे? वो क्यों रखेंगे? महाराज सत्यकेतु ने कहा, वो इसलिए रखेंगे क्योंकि नारद बाबा ने ही मुझे मार्ग बताया, उस मार्ग पर हम चले और उस मार्ग पर चलने का फल ये मिला कि मुझे ये कन्या प्राप्त हुई। अब हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया का नाम जो है वो नारद बाबा के ही द्वारा रखवाया जाए। नारद बाबा हमारी बिटिया का नामकरण करेंगे। किरणवती ने कहा, महाराज तो ऐसा करें, आप नारद बाबा को बुलवाइए। महाराज सत्यकेतु ने क्या किया, नारद बाबा का स्मरण किया, और जैसे नारद बाबा का स्मरण किया, नारद बाबा तुरंत प्रकट हो गए। कहो राजन क्या बात है? महाराज जैसे ही सत्यकेतु ने नारद बाबा को देखा तो हाथ जोड़ करके बोल पड़े, महाराज आपने मुझे जो मार्ग बताया उस मार्ग पर हम चले और हमें सफलता मिल गई। तो कहा, बात क्या है, क्या हुआ? महाराज सत्यकेतु बोल पड़े, क्या? कि हाथ जोड़ी राजा कहे, महाराज हाथ जोड़ी राजा कहे और सिद्धि भये सब काम, और बिटिया जन्मी महल में तसुधरी दीजो प्रभु नाम। हमारे घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, हम चाहते हैं कि आप हमारी बिटिया का नामकरण कर दीजिए, आप हमारी कन्या का नाम रख दीजिए। नारद बाबा ने कहा, ठीक है, नाम रखने की बात है, लाओ मैं नाम रख दूंगा। सामने किरणवती बैठी है उस कन्या को लिए हुए। महाराज सत्यकेतु ने कहा, देखो महाराज ये है हमारी कन्या और आप इसका नाम रख दीजिए। महाराज सत्यकेतु ने जिस समय इतनी बात कही, नारद बाबा ने उस कन्या के मुखमंडल को देखा, भैया उस कन्या के मुखमंडल को देखा, और जैसे ही चेहरे को देखा तो नारद बाबा विचार करने लगे कि ये कन्या कोई साधारण नहीं है, ये कन्या कोई साधारण नहीं है, इसका जन्म कोई साधारण नहीं है। इसलिए नारद बाबा ने कहा, सुनो राजन तुम्हारी कन्या का नाम मैं रखने जा रहा हूँ। हाँ महाराज मेरी कन्या का नाम रख दीजिए। और जब इतनी बात कही तो नारद बाबा ने उस कन्या का नाम रखा, सुनो राजन तुम्हारी कन्या का नाम वेद सुनति भई सुता अललामा। सुनति भई सुता अललामा, वेदवती राख्यो तेहि नामा। नारद बाबा ने जैसे उस कन्या को देखा तो कहा, सुनो राजन तुम्हारी इस कन्या का नाम है वेदवती। क्यों? क्योंकि इसका जन्म जो है वो वेद और मंत्रों के उच्चारण से हुआ है। जिस समय साधु संत महात्मा बैठे थे वहां पर, जब महाराज सत्यकेतु अपनी पत्नी को साथ में लेकर के, किरणवती को साथ में लेकर के जाकर के तपस्या किए थे, तो वहां पर जो साधु संत महात्मा आए थे वहां पर वो बैठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण किया था, वही बात आज नारद बाबा कह रहे हैं। उन वेद मंत्रों के उच्चारण के प्रभाव से, साधु संत महात्माओं के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से तब जाकर के तुम्हें कन्या मिली है, इसलिए यह कन्या कोई साधारण नहीं है। नारद बाबा ने उस कन्या का नाम वेदवती रख दिया। कहा, सुनो राजन तुम्हारी इस कन्या का आकर के मंगल गीत गाती है। जब हमारे आपके घर में कोई संतान का जन्म होता, कोई पुत्र हो या पुत्री हो, तो हमारी माताएं बहने अनेक प्रकार के गीत गाती हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, जिस समय महाराज सत्यकेतु के महलों में नगर की नारियां आई और आकर के मंगल गीत गाने लगी, कैसे कि जन्मे होरिलवा
अरे जन्मे होरिलवा आनंद भई नगरी, जन्मे होरिलवा आनंद भई नगरी, जन्मे होरिलवा आनंद भई नगरी, जन्मे आनंद भई नगरी, जनमे होरिलवा 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 आनंद भई नगरी, भई नगरी आनंद भई नगरी, आनंद भई नगरी, जनमे अरे जन्मे होरिलवा आनंद भई बखरी, जन्मे ललनवा आनंद भई बखरी, जन्मे ललनवा आनंद भई बखरी, जन्मे होरिलवा आनंद भई बखरी, जन्मे होरिलवा आनंद भई बखरी, सासु जो आवे चरुआ चढ़ावे, 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 अरे ओना होन को अरे जनमे ललनवा आनंद भई नगरी, 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 जनमे होरिलवा आनंद भई नगरी, जनमे होरिलवा जेठनी जो आवे पिपड़ी पिसावे, 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 हारे ओ न होन को राजा, अरे ओ न होन को राजा।
सच्चिदानंद भगवान की। जब हमारे घर में संतान होती है, पुत्र हो या पुत्री हो, तो हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छे अच्छे गीत गाती भैया, गाती है कि नहीं गाती? यहाँ पर कहो कि जयकारा लगा दो तो जयकारो लगाओ माफत है। अगर कहीं घर में भैया ढोलक बजने लग जाए तो पूरा पूरी पूरी रात को व्यतीत हो जाए, पर बैठने वाली चुपचाप नहीं है। खूब ढोलक बजाएंगी, खूब गाएंगी, और हमारी माताओं बहनों के गीत भी बहुत अच्छे हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक घर में एक पुत्र का विवाह था, ध्यान दीजिएगा, और ये लोग चाहे थोड़ा कम गावें, और जो बूढ़ी माताएं होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा गाती हैं, जिनके मुहिमा दांत नहीं प्याटा मात नहीं भाई बहुत कायदे से गाती हैं। ऐसे ही एक पुत्र का विवाह था एक घर में, उनके घर में एक बूढ़ी माता जी थी। बूढ़ी माता जी ना समझो उस पुत्र की दादी थी, ध्यान देंगे। अब सभी गांव की नारियां आ गई गीत गाने के लिए, बन्ना गीत गाने के लिए सभी गा रही थी बैठी। अब इनमें एक बात और होती, जब ये चार पांच लोग होंगी तो वही कहें बहनी तुम गाओ, वही कहें बहनी तुम गाओ, जब ज़्यादा देर तक चलत। तो उनमें एक बूढ़ी माता जी बैठी थी, उन्होंने कहा कि ऐसे है अगर तुम लोग ना गाओ तो भाई हमारे पातक बिहाओ है, हम तो गई भाई करब है। तो उनमें से एक देवी जी थी, वो कहने लगी नहीं नहीं लो हम गा रहे हैं, बन्ना गीत गाए। और उन दादी जी को थोड़ा कम सुनाई देता था, बूढ़ा को कम सुनाई देता था, लेकिन गावे में बड़ी आ गए। अब देवियां बोल पड़ी, क्या बोली? ढोलक बजी, और जिस समय ढोलक बजी तो गाने लगे, क्या गाया कि अंटे ऊपर अरे मचला बनरा है नादान, अंटे ऊपर मचला बनरा है नादान, अंटे ऊपर मचला बनरा है नादान, अंटे ऊपर मचला बनरा है नादान। अब वो देवियां तो ये गा रही थी कि अंटे ऊपर मचला बनरा है नादान, लेकिन वो बूढ़ी माता जी जो थी उनको थोड़ा कम सुनाई देता था, पर वो भी गाने लगी। वो क्या बोली? अरे अंटे ऊपर फैला मोटरा है झूरा, भाग की बात। उस जगह पर हम भी थे भैया, तो जब हमने बूढ़ी माता जी के द्वारा ऐसा सुना तो हमने कहा अम्मा ये तुम का गौती हो? तो कहती बिटिया काहे, वह तो गए थे जो ये लोग गए, हम कहीं यहाँ गए न, कहीं चलो कोई बात नहीं, गीत भूल गए, रहन तो वह है, धुन तो वह है। तो हमारी माताएं बहने गाने में बड़ा आगे, गान बजान में बहुत आगे, लेकिन अगर जयकारे का नाम ले लिया जाए तो फिर आवाज़ कोई सुनना ही पड़े। और अगर इनकी आवाज़ सुने को हो भैया तो जहाँ ही कहूँ कंडा पथती होए, दुई कंडा फोटर हो जाए, फोर देखो भैया जो एक करम बाकी रह जाए, हाँ तब सुनो, तब ना सोचे हैं कि हमारी आवाज़ कहाँ ले जाते, तब ना ध्यान दे हैं, तब तो फिर ले ले आओ, धर धर जाओ ले ले आओ। बोले शंकर भगवान की, आदिशक्ति मैया की जय। अरे झूठा बहुत ज्यादा यक बात ना, आप लोग बहुत साँचे। अब भाई दो दिन रुके गए भैया, आप लोगों की बात नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छी हो, झूठ भी बहुत ज्यादा बोलती हैं। एक बार ऐसा हुआ, गांव में सबने विचार बनाया कि ऐसा करते चलो देवी जी के दर्शन को चला जाए। तो गांव की जो नारियां थी कहा भाई कैसे चला जाए, पुराना जमाना था तो तब तक ये ट्राली व्राली थी नहीं, लड़िया उड़िया ज़्यादा चलती रहा है। तो कहीं नहीं, इस करो एक लड़िया तैयार करो और वह सब कोई बैठ लीन जाए, जितने जने आए जब उतने जन चला जाए। तो कहा ठीक है। अब एक भैया जी को तैयार किया गया, भाई लड़िया हकहू वाला तो कोई होक चाहे, तो एक भैया जी को तैयार किया गया, उनको कहा गया कि भैया इस करो हम सबको देवी जी का दर्शन करा लाओ। तो कहा ठीक है चलो हम देवी जी का दर्शन करवा लाएंगे। भैया जी तैयार हो गए,
अब माताएं बहनें भी तैयार हो गई, एक बूढ़ा जी थी वो भी तैयार, बूढ़ा जायावन बहुत आगे रहती है। हाँ चले भले न पावे लेकिन आहा टिकाए ले चलो हम हो भैया। एक बूढ़ा जी थी वो भी तैयार हो गई और सब ने सब लोगों ने मिलकर के क्या किया, उसी लड़िया में मिलकर बैठी और जब बैठी तो कहा इस करो रास्ता काटे नहीं कटिया ढोलो धल्ले भाई कम से कम गावत बजावत तो पहुंच चल भाई। तो ढोलक भी रखी गई। अब जब ढोलक रखी गई तो कोई कहता तुम गाओ कोई कहता तुम गाओ, तो उनमें से एक देवी जी ने कहा लाओ अच्छा कोई न गाओ लाओ हम गावे जाए थे। अब वो क्या करती हैं ले लिया ढोलक और ढोलक बजाने लगी और गाने लगी। वो गाया तो गाया क्या पहले ये सोचो झूठ कितना बोली, क्या गाया कि देवी मैया अरे दरस कैसे आऊं। अभी तक तो ठीक है, क्या बोली देवी मैया दरस कैसे आऊं कि लड़िया लौटी गई, देवी मैया दरस कैसे लड़िया लौटी रहे नहीं। अब बोलो झूठ है तो बोली और का झूठ देवी जी का पसंद है, बोलो का झूठ देवी देवतन भैया पसंद है, झूठ नहीं पसंद है। अब कह क्या रही जा रही है देवी जी के दर्शन को और झूठ बोल रही कि कैसे तुम्हारे दर्शन को आऊं लड़िया लौट गई। तो देवी जी ने भी सोचा होगा कि अब तुम झूठ बोलती हो तो लाओ हम साक्षी कर देंगे। आगे से एक चरपहिया गाड़ी आ गई और जब चरपहिया गाड़ी आई तो उस गाड़ी ने हॉर्न दिया और जैसे हॉर्न बजा तो बैल बिचुक गए भैया, बैल बिचुक गए। और जब बैल बिचुक गए तो रोड पर किनारे किनारे लड़िया चल रही थी और जैसे बैल बिचुके तो बैल और लड़िया सबको समेत खंडक मैया गिर गए। अब वो जो देवी जी ने ये गीत गाया था उनका जो पैर था वो फंस गया और फंस करके पैर टूट गया। जब फंस के पैर टूट गया तो हम पीछे ही थे भैया, हम नहीं पीछा छोड़ दे तन के भैया, हाँ हम पीछे ही थे। हमने कहा वाह भाई वाह तो लड़िया लौट गई। तो हमने कहा इस है अम्मा तुम जो ये गीत गा रही थी ये गीत तुम्हारा बना नहीं, ऐसे नहीं गाया जाता, तो मारे हमसे आईठ परी तुम है बता फिर कितना गावा जा। तो हम कहा सुनो हम बतावे जा रहे सुनो अब तुम ऐसे गाओ कैसे, तब झूठ बोल रही थी लेकिन अब सांच बोलो कैसे। अरे देवी मैया दरस कैसे आऊं टांग मोर टूटी गई, तुम्हारा गीत बढ़िया बना कम से कम अब सांच तो होएगा भैया, झूठ काए बोलो। तो झूठ देवी देवताओं से मेरे भाई झूठ नहीं बोला जाता, अगर झूठ बोलोगी तो फिर सच सामने आ जाएगा, इसलिए झूठ नहीं बोलते। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए शंकर भगवान की, इधर जरा जयकारा लगाओ आप लोग, हमारी माताएं बहने बोलेंगी, भैया लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग जरा बोलिए, आप लोग तो बोल रहे हो बोल कारण तो इन्हें का फत है, हाँ हाँ इसलिए आप लोग बोलो। चलिए आप लोग बोलिए, सभी हमारी माताएं बहने बोलेंगी, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आगे जो माताएं बहने बैठी हैं वो कहती हैं जय, पीछे जो माताएं बहने बैठी हो कहती गए, तो आगे वाली कहती है भाई हाय। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। अब जरा भैया लोग बोल लेंगे, आप लोग भी जयकारा लगाएंगे, नहीं तो आप लोग कहोगे कि महाराज जी अपनी पार्टी से जयकारा लगवाती हम लोगों से नहीं लगवाती हैं, तो हम काहे पक्षपात करें भैया हमारे लिए सब लोग बराबर हो। तो आप लोग जरा जयकारा लगा, अब देखो भैया लोग हमारे कितनी तेज बोलेंगे, इतनी लोग बैठी हो खाली मूली जगह घेरे बैठी हो काहे वाली नहीं हो, देखो ये लोग कितनी तेज बोलेंगे हमारे भैया दादा लग। बोले शंकर भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, सब हियत कटाई दे हो बिल्कुल साफ हो गए। अब तैयारी बना के बैठना, जब हम कहें बोलें तो जितनी तेज इधर से आवाज आई उतनी तेज इधर से भी आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तले सहिताए लो,
हैं? भूख लगी है? किसको लगी भूख? अरे तब तो आफत है, भूख को कुछ ना है, सब छकिक आएंगे। चलो खैर, चलते हैं भगवान की कथा की तरफ। आज महाराज सत्यकेतु ने अपनी बेटी का नामकरण करवा दिया। किसके द्वारा? किसके द्वारा करवाया? नारद बाबा के द्वारा। नारद, नारद का नाम नारद जानते हो क्यों है? नारद, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती। भैया जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती है वो क्या है? नारद। नारद बाबा ने आकर के नामकरण करवा दिया। और नारद बाबा झगड़ों लगाओ बहुत आगे हैं। कभी कभी गांव में भी सुनने को मिल जाता है कि हमारे गांव में एक नारद है, और नारद का मतलब यही है कि इधर से उधर तोड़ भांज लगाना। एक बार ऐसा हुआ, वो बता ही दे बात आ गई। एक बार ऐसा हुआ, पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। विवाह के 12 वर्ष व्यतीत हो गए, कभी भी झगड़ा लड़ाई का कोई नाम नहीं था। बहुत प्रेम से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, भैया जी घर नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे, देवी जी केवल घर में थी, और नारद बाबा तब तलक आ गए। जब नारद बाबा आए तो देवी जी ने क्या किया, नारद बाबा को बिठाया और बड़ा स्वागत सम्मान किया। नारद बाबा ने उन देवी जी से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे पति देव कहाँ गए? देवी जी ने कहा कि पता नहीं महाराज, कहीं गए हैं पर हमसे बता के नहीं गए। तो नारद बाबा ने कहा, तुमसे बता के नहीं गए? हाँ, आज तो बताया नहीं, कहाँ चले गए? हाँ हाँ, हम समझ गए। देवी जी ने कहा, क्या समझे महाराज? कहा, हम समझे इसलिए कि तुम दोनों के बीच में प्रेम नहीं है। अगर तुम दोनों के बीच में प्रेम होता तो तुम्हारे पति अगर कहीं गए होते तो गए थे तो तुमसे बता करके जाते कि मैं फला जगह जा रहा हूँ, इसलिए प्रेम नहीं है। पत्नी बोल पड़ी, महाराज ये बात मत कहना, 12 वर्ष हो गए हमारे विवाह के, हमारे पति पत्नी में बड़ा प्रेम है, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हो सकता। नारद बाबा ने कहा, कभी नहीं हो सकता? कहा, कभी नहीं हो सकता, ना तो हुआ है और ना आगे होगा। जैसे इतनी बात कही देवी जी ने कि ना तो झगड़ा 12 वर्ष हो गए अभी तक हुआ है और ना ही झगड़ा आगे होगा, हम दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। नारद बाबा ने कहा, अच्छा बड़े प्रेम से रहती हो, ठीक है, तो तुम अपने पति की सारी बातें भी जानती होंगी। पत्नी ने कहा, जाहिर सी बात है, मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। हाँ तो बताओ, तुम्हारे पति में एक कमी है, क्या तुम जानती हो? देवी जी ने कहा, कमी है? कमी तो मैं नहीं जान पाई। जैसे कहा, कमी नहीं जान पाई, नारद बाबा ने कहा, लो और तुम कहती हो कि मैं सब कुछ जानती हूँ अपने पति के विषय में, तुम्हारे पति में एक कमी है। तो कहा, कौन सी कमी? नारद बाबा ने कहा, चलो छोड़ो, हटाओ, जाने दो। पर अगर ऐसी बात नारद बाबा ने कही तो अब उन देवी जी के अंदर शंका हो गई कि हमारे पति में कमी है तो कौन कमी है। जैसे कोई आपके पास आए और आपसे कहे कि भैया तुम अपने परिवार के विषय में, सबके विषय में जानते हो, तो आप यही कहोगे, भाई घर में रहते हैं तो हम सबके विषय में जानते हैं। और अगर वही व्यक्ति आपसे कह दे कि तुम्हारे पुत्र में एक कमी है, क्या तुम जानते हो? बहुत बड़ी कमी है वो, एक कमी नहीं, बहुत बड़ी कमी है वो। तो बोलो, शंका बन जाएगी भैया, नहीं बन जाएगी? जानने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? और फिर वो कहे, अच्छा चलो हटाओ छोड़ो, तो अब तो महाराज शंका बन जाएगी। जब तक पूछ नहीं लोगे उससे तब तक चैन नहीं मिलेगा। नारद बाबा ने कहा, तुम्हारे पति में एक बहुत बड़ी कमी है। देवी जी ने कहा, क्या कमी है बताओ महाराज? नारद बाबा ने कहा, अरे छोड़ो हटाओ, अगर बताएंगे तो नहीं ठीक नहीं रहेगा, चलो ठीक मुझे जाने दो। नहीं नहीं महाराज, आपको बताना पड़ेगा, आप तो आप बताइए। जिस समय इतनी बात कही तो नारद बाबा ने कहा, तुम्हारे पति में कमी ये है कि तुम्हारा पति जो है वो लुनिया है। क्या कहा? तुम्हारा पति जो है वो लुनिया है, क्या तुम ये बात नहीं जानती हो? पत्नी बोली, महाराज ये बात तो मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा तो ऐसा करना, आज हम तुम्हें बता रहे हैं, इस बात की पारिख लेना। तो कहा, पारिख कैसे लूंगी? तो कहा, सुनो, जब रात में तुम्हारा पति आकर के लेटे और जब वो सो जाए तो तुम अपने पति के तरवे को रात में चाटना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लुनिया है या नहीं। अब पत्नी के अंदर शंका बन गई, ठीक है इतने दिन हो गए हमसे कभी नहीं बताया, हमारा पति लुनिया है, आने दो आज।
नारद बाबा इतना बता करके वहां से तो चले गए। अब पहुंचे हैं जाकर के देवी जी के जो पति थे उनके पास पहुंचे। जब उनके पास पहुंचे तो कहां गए थे भैया? कहा कहीं नहीं महाराज, वैसे ऐसे ही टहलने गए थे। अच्छा, तुमने अपनी पत्नी के विषय में कुछ जाना है? भैया जी ने कहा हमने तो कुछ नहीं जाना महाराज, क्या बात है, कोई बात है क्या? हाँ अरे बात बहुत बड़ी बात है, और तुम जान ही नहीं पाए। कितने वर्ष हो गए तुम्हारे विवाह के? कब 12 वर्ष हो गए। कब 12 वर्ष हो गए और तुम अपनी पत्नी को जान ही नहीं पाए? तो कहा महाराज हम नहीं जान पाए, क्या बात है? तो कहा तुम्हारी पत्नी में एक कमी है। तो कहा कौन सी कमी? कहा तुम्हारी पत्नी जो है वो जो है कुतिया है। जैसे इतनी बात कही, तुम्हारी पत्नी कुतिया है। अब भैया जी को बड़ी चिंता हो गई, हमारी पत्नी कुतिया है? नारद बाबा से कहने लगे नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। कहा तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ तुम्हारी पत्नी जो है वो कुतिया है। तो भैया जी ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पत्नी कुतिया है? तो कहा सुनो, तुम जान नहीं पाते हो, रात में सो जाते हो और रोज का उसका वही नियम है, वही कार्य करती है। तो कहा कौन सा? कहा सुनो, आज तुम जाना, जाकर के भोजन पानी करना, और भोजन पानी करने के बाद में लेट जाना, लेकिन सोना नहीं। लेट जाना पर सोना नहीं, चादर ओढ़ लेना पैर से लगा करके सर तक, लेकिन जागते रहना, सोना नहीं। और देखना जब आधी रात का समय होगा तब तुम्हारी पत्नी उठेगी धीरे धीरे और तुम्हारे तरवे को चाटने लगेगी, और जब तरवे को चाटने लगे तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी पत्नी कुतिया है। कहा ठीक है महाराज, हम इतने दिन हो गए जाने ही नहीं पाए। नारद बाबा तो इतना बता करके चले गए। अब इधर देवी जी बैठी सोच रही हमारो पति लोनिया हम जान ही नहीं पाए, और इधर भैया सोच रहे हमारी पत्नी कुतिया हम अभी तक नहीं जान पाए, आज तो जान ही जाएंगे। भैया घर वापस लौटे। जब घर वापस लौटे इधर देवी जी ने बढ़िया भोजन बनाया, भोजन बना करके तैयार हुआ तो कहने लगी आओ भोजन करो। भैया जी ने भोजन किया और भोजन करने के बाद जाकर के अपने बिस्तर पर लेट गए। जिस समय जाकर के अपने आसन पर बिस्तर पर लेट गए, अब जैसा नारद बाबा ने कहा था वैसा ही किया। लिया एक चद्दर और पैर से लगा करके सर तक ओढ़ लिया, अपने आप को ढक लिया और आराम से जागते रहे, केवल आंखें बंद लेकिन जाग रहे। अब पत्नी सोच रही कि अगर हम लेट गए तो सो जाएंगे, इसलिए इधर उधर कुछ न कुछ करती रही। और जब रात के 12 बजे तो धीरे धीरे उसी कमरे में पहुंची, देखा कि अब तो ये सो गए हैं। लाओ अब देखते हैं जैसा नारद बाबा ने बताया था का बात सही है। अब वो पत्नी जो थी जाती है पैरों के पास, धीरे धीरे चद्दर को हटाया, ध्यान देंगे, धीरे धीरे चद्दर को हटाया। और जैसे धीरे धीरे चद्दर को हटाया, जैसे ही तरवा बाहर आए, तरवा खुल गए, वैसे क्या करती है, लगी चाटने तरवा, ध्यान देंगे, तरवा चाटने लगी। अब भैया जी तो जाग ही रहते, भैया जी मन में विचार किया है या कुतिया, नारद बाबा कहत साचू रहा है। एकदम भैया जी बोल पड़े हट कुतिया, जैसे कोई हट कुतिया, उसने कहा हट लोनिया का, हट कुतिया का, हल लोनिया। बस इसी बात पर झगड़ा हो गया। पत्नी कहती तुम लोनिया हो, पति कहता तुम कुतिया हो। बहस होने लगी, झगड़ा होने लगा। नारद बाबा ने सोचा जो हम करवाना चाहते थे सो तो हो ही गया, अब चलो फैसला भी कर दें, चल के फैसला भी कर दें। जब देखा झगड़ा हो रहा है तो नारद बाबा प्रकट हो गए, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? पत्नी बोल पड़ी महाराज तुम कहत नहीं कह रहे हो, हाय मरी गालो नहीं है। जैसे इतनी बात कही, पति देव बोले महाराज कहा तुम ठीक कह रहे हो, हाय कुतिया। ए भैया, जब ऐसे बातें हुई, नारद बाबा ने कहा बस बस अब चुप रहो, अब हमारी बात सुनो। ना तो तुम्हारी पत्नी कुतिया है, और पत्नी से कहा ना तो तुम्हारा पति लोनिया है। तो कहा फिर? कहा तुम दोनों के बीच में हमने ये देखा, तुम्हारी पत्नी ने कहा 12 वर्ष हो गए कभी हमारे पति पत्नी में झगड़ा नहीं हुआ, तो बस हम झगड़ा ही कराना चाहते थे, बाकी ना तो तुम लोनिया हो ना या कुतिया है। दोनों बोल पड़े महाराज अब ऐस करो तो करो, आगे जिंदगी में कब हो ऐस ना करो। ए भैया, तू कहने का मतलब है कि अब नारदन केर कमी नहीं है, नारद का काम है झगड़ा लगा देना, और झगड़ा नहीं लगावत भैया, नारद बाबा का काम है आग लगा देना, आग नहीं लगावत, आग लगावे तो कम से कम बर के राख हो जाए, लेकिन नारद बाबा तो धर के कूच देते, धीरे धीरे सुलगा करते।
ऐसा काम होता है इनका। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जिनकी बात कभी रद्द ना हो वो क्या है? नारद। आज नारद बाबा के द्वारा जब नामकरण हो गया, महाराज सत्यकेतु ने बहुत दान बांटा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब तो महाराज सत्यकेतु शिकार के लिए जाते हैं, ठाट से जाते और ठाट से आते हैं। कोई ये कहने वाला नहीं कि ये देखो निर्वंशी जा रहा है, कोई कहने वाला नहीं। इधर क्या था, धीरे धीरे वेदवती जो थी सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। और जब विवाह के योग्य हुई तो बड़ी सुंदर है वेदवती, बहुत सुंदर। कितनी सुंदर है कि दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, रविशन चंद्र बदन जब बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, बहुत सुंदर है, चंद्रमा के समान उसका शरीर चमक रहा है, बहुत सुंदर है वेदवती। महाराज सत्यकेतु का वही नियम, रोज शिकार के लिए जाते, शाम को वापस लौटते, रात्रि में भोजन करते, सो जाते, सुबह फिर शिकार को चले जाते। लेकिन इधर जब वेदवती जो थी सयानी हो गई, एक दिन का जिक्र, किरणवती को वेदवती महलों में नहीं दिखाई पड़ी, तो आवाज लगाई किरणवती ने, बिटिया वेदवती। वेदवती अपने कमरे में बैठी थी, सो कमरे से बोल पड़ी, हाँ माँ मैं यहाँ अपने कमरे में बैठी हूँ। किरणवती धीरे धीरे कमरे की तरफ गई और जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा, वेदवती अपना 16 श्रृंगार बनाए हुए बैठी है, अपना 16 श्रृंगार बनाए बैठी और अपना ही चेहरा शीशे में देख करके, स्वयं अपने आप को देख करके ही हंस रही, मुस्कुरा रही। जिस समय ये दृश्य किरणवती ने देख लिया, आज किरणवती को ठहाका लगा, अरे मैं समझ ही ना पाई, और हमारी बिटिया तो विवाह के योग्य हो गई है, हमारी बेटी तो विवाह के योग्य हो गई, लेकिन हमारे स्वामी को जरा भी चिंता नहीं है। सुबह शिकार को चले जाते, शाम को वापस लौट करके आते, रात्रि में भोजन करते, सो जाते, सुबह फिर चले जाते, आने दो आज स्वामी को, आज मैं उनसे बात करूंगी। ए भैया, जिनके घर में चार चीजें आ जाती हैं, उनके घर से सुख शांति चली जाती है। ध्यान दीजिएगा, जिनके घर में चार चीजें आ जाती हैं, उनके घर से सुख शांति चली जाती, ना तो चैन की नींद आती है और ना ही भरपेट भोजन हो पाता है। ये चार चीजें कौन सी हैं? बहुत सुंदर भाव मिला, क्या? कि जिस घर में सर्प निवास करे और छप्पर से टपकता पानी हो, टपकता पानी हो और कर्जे का भार लदा सर पर, कर्जे का भार लदा सर पर, जिस घर में सोता सयानी हो, बतलाया जिस घर में चार चीजें आ जाती हैं, उनके घर से सुख शांति चली जाती है। चार चीजें कौन कौन सी हैं भैया? जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो, कर्जे का भार लदा सर पर, और जिस घर में सुता सयानी हो। अब चारों को अलग अलग समझ लीजिए। जिस घर में सर्प निवास करे, मान लीजिए आप अपने घर में रहते हो, अभी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, आराम से भोजन करते हो, भरपेट भोजन करते हो, आराम की नींद सोते हो, किसी प्रकार की कोई चिंता है नहीं, है ना?
एक दिन आपके घर के ही अंदर कहीं आपको सर्प नजर आ जाए और उस सर्प को आप मारने के लिए दौड़े, लेकिन उस सर्प को आप मार ना पाए भैया, उस सर्प को आप मार ना पाए, वो सर्प आपके घर के ही अंदर कहीं छिप जाए, उसे आप मार ना पाओ, छिप जाए, दिन तो इधर उधर बैठने से कट जाएगा, लेकिन क्या जब रात आएगी तो उस रात आप भरपेट भोजन करोगे? क्या उस दिन आपको चैन की नींद आएगी? नहीं आएगी ना, क्यों? चिंता बनी रहेगी कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से वो सर्प निकल पड़े, हमारे घर में जो छुप गया है किधर से वो सर्प निकल पड़े और हमारे घर के किसी सदस्य को काट न ले। बोलो, क्या उस रात आपको चैन की नींद आएगी? नहीं आएगी ना। तो जिस घर में सर्प निवास करो, छप्पर से टपकता पानी हो, मान लीजिए हमारे घर में छप्पर पड़ा हुआ, टूटा है, कमजोर है, अगर रात में बारिश होने लगे तो सारा पानी छप्पर के नीचे ही आएगा, और छप्पर के नीचे मान लीजिए हमने अनाज की बोरियां लगा दी हैं, और रात में बारिश होने लगे, जब बारिश होने लगे सारा पानी अनाज की बोरियों पर गिरे, तो क्या आप चैन से सोते रहोगे या उन अनाज की बोरियों को बचाने की कोशिश करोगे? बोलो, रात को नींद आएगी? नहीं आएगी ना। माताएं बहनें, आप लोग जैसे लकड़ी और कंडे रख दीजिए, रात में बारिश होने लगे लकड़ी कंडा भेजें, तुम सही हो? नहीं सोगी ना। चिंता रहेगी कि अगर सो जाएंगे तो कल भोजन कैसे बनेगा, चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी? भैया रहेगी ना, दो चीजें हो गई। और कर्जे का भार लदा सर पर, सबसे बड़ी बात है कर्जा। मान लीजिए आपने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए, और जिनसे 5,000 रुपये उधार लिए उनसे आपने जाकर के ये कहा है कि भैया एक महीने के अंदर हम आपका रुपया आपको वापस कर देंगे, पर एक महीने के अंदर आप हमारे द्वारे पर मांगने मत आना। धीरे धीरे आप जो 5,000 रुपये उधार लेके आए, जो आपका कार्य अटका है उस कार्य में लगा दे। धीरे धीरे एक महीना पूरा होने को आ जाए और आपके पास में 5,000 रुपयों की व्यवस्था ना बन पाए, तो बोलो भैया क्या चैन से सोओगे? क्या चैन से भरपेट भोजन करोगे? आपको यही चिंता बनी रहेगी, एक महीना भी पूरे होने को आ गया और हमारे पास में 5,000 रुपये की व्यवस्था नहीं, जब मैं लेने गया था तब तो कोई नहीं जान पाया, और जब वो हमारे द्वारे पर लेने आएंगे तब तो पूरा गांव जानेगा, बदनामी हो जाएगी। तो बोलो चैन की नींद आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तीन चीजें हो गई। और फिर जिस घर में सुता सयानी हो, उन माँ बाप से जाकर के पूछो जिनके घर में बेटी सयानी हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है। पिता जब अपनी जवान बेटी को देखता है तो मेरे भैया चिंता बन जाती कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, उसे उसके ससुराल भेज दूंगा, तब जाकर के वो चैन की नींद सोता है और भरपेट भोजन करता है। रात में अगर सोचने लगा कि अभी तक अपनी बिटिया के लिए घर भर नहीं मिला, तो कहो पूरी रात जागते ही जागते व्यतीत हो जाए, पर नींद नहीं आती है। ये चार चीजें जिस घर में आ जाती है, ना तो नींद आती है और ना ही भरपेट भोजन हो पाता है। आज किरणवती ने देखा हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई, पर हमारे स्वामी को तो जरा भी चिंता नहीं। और पिता का भाव होता है अपनी पुत्री के प्रति, एक पिता क्या सोचता है ध्यान दीजिएगा, एक पिता अपनी पुत्री के लिए क्या सोचता है? पिता यही सोचता है कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। कुछ दानदाताओं के नाम, 1100 मुद्राएं सहज राम यादव मौजमपुरवा से, 101 मुद्राएं श्यामो पाल भगवतीपुर से, 51 मुद्राएं धर्मेंद्र धीमान भैया जी की तरफ से, दयारामपुरवा से, भगवान के चरणों में दान है, कामना मंगलमयी हो। और ये भैया बाबा कमेटी की ओर से 101 मुद्राएं महादेव पाल बीडीसी की तरफ से, 101 मुद्राएं हमारे पवन यादव भैया जी की तरफ से, 101 मुद्राएं लल्लू यादव जी की तरफ से, 101 मुद्राएं संदीप बाबा जी की तरफ से, 101 मुद्राएं गुड्डू यादव जी की तरफ से, 101 मुद्राएं गेंद कुमार भैया जी की तरफ से। इन लोगों ने, इन भैया लोगों ने हमें दूध पीने के लिए दिया, कामना मंगलमयी हो, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। भगवान सदा सुखी ओम संपन्न बनाए रखे, हर चीज से परिपूर्ण रखे। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले शंकर भगवान की, आदिशक्ति मैया की। एक पिता सोचता है अपनी पुत्री के लिए, क्या सोचता है? पिता का भाव देखें, पिता क्या सोचता है?
बेटी जिस दिन मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा उस दिन कि तेरे कर के हाथ पीले मैंने गंगा नहा लिया। एक पिता सोचता है तेरे कर के हाथ पीले मैंने गंगा नहा लिया और बेटी और जिस दिन तुझको बेटी जिस दिन तुझको मैंने डोली बिठा दिया बेटी जिस दिन तुझको मैंने डोली बिठा दिया तुझको बेटी जिस दिन तुझको मैंने डोली बिठा दिया बेटी जिस दिन तुझको मैंने डोली बिठा दिया बेटी जिस दिन तुझको मैंने डोली बिठा दिया सज कर बारात आए आए बदूल सारी रस में पूरी करके सारी
बस में पूरी करके मैंने डोली बिठा दिया, सारी रस में पूरी करके मैंने डोली बिठा दिया। बेटी जिस दिन तुझको, बेटी जिस दिन तुझको मैंने डोली बिठा दिया, विचार करने लगी कि हमारे स्वामी रोज सुबह शिकार को चले जाते, शाम को वापस लौट करके आते हैं, रात्रि में भोजन करते सो जाते, सुबह फिर शिकार को चले जाते। आने दो आज स्वामी को, आज मैं उनसे बात करूंगी। इधर क्या हुआ, जब शाम हुई महाराज सत्यकेत तो शिकार से जब वापस लौट करके आए, आज जैसे महल के अंदर प्रवेश किया महाराज सत्यकेत ने, वैसे तो किरणवती हाल चाल पूछती थी, महाराज पूरा दिन आप बाहर रहे सब हालचाल तो ठीक है, लेकिन आज जैसे महाराज सत्यकेत महल के अंदर प्रवेश किए, वैसे किरणवती बोल पड़ी, बस रुक जाइए उसी जगह पर। महाराज सत्यकेत ने कहा, आज कौन सी बात हो गई, आज यहीं पर रुकने के लिए क्यों कह रही। किरणवती ने कहा, महाराज वहीं पर रुक जाइए। महाराज सत्यकेत ने कहा, बात क्या है। किरणवती ने कहा, बात यह है, आपको तो घर की कोई फिक्र रहती ही नहीं, आप तो कोई चिंता है ही नहीं। किरणवती ने जब इतनी बात कही, महाराज सत्यकेत ने कहा, आखिर बात क्या हो गई, हमें चिंता नहीं है तो किसे चिंता, तुम्हें। कहने लगी, महाराज हमारी बेटी वेदवती विवाह के योग्य हो गई, लेकिन आपको जरा भी चिंता नहीं, आप तो सुबह शिकार को चले जाते हो, शाम को वापस आते हो, रात्रि में भोजन करते हो, सुबह फिर चले जाते हो। महाराज आपको तो जरा भी चिंता नहीं, बिटिया घर में सयानी बैठी है। ए भैया, जब इस प्रकार से किरणवती ने महाराज सत्यकेत से बात कही, तो महाराज सत्यकेत कहने लगे, अच्छा इसका मतलब वेदवती केवल तुम्हारी ही बेटी है, इसलिए तुम्हें चिंता है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। अरे मुझे भी चिंता है। धीरे धीरे हुआ क्या, दोनों लोगों में लड़ाई होने लगी, बात बढ़ी तो दोनों में लड़ाई होने लगी, और जब लड़ाई होने लगी महाराज सत्यकेत और किरणवती में, तो वेदवती दूसरे कमरे में बैठी इस लड़ाई को सुन रही थी, लड़ाई को सुन रही थी। आज वेदवती ने विचार किया कि अगर परमात्मा ने मुझे इस घर में ना भेजा होता, तो शायद मेरे माता पिता में आज लड़ाई ना होती, इस लड़ाई की जड़ मैं हूँ, अगर मैं इस घर में नहीं आई होती तो मेरे माता पिता में लड़ाई ना होती। और वेदवती इतना सोचने के बाद तुरंत कमरे से बाहर निकल के आई और महाराज सत्यकेत के पास में पहुंची और जा करके बोली, पिताजी बस रुक जाइए, आप लड़ रहे हो, हमारे लिए लड़ रहे हो, हमारे विवाह के लिए लड़ रहे हो महाराज, तो सुनो मेरी बात को। बोल पड़ी वेदवती ने कह दिया महाराज सत्यकेत से, क्या कहा, सुनो पिताजी, मैं अपन विवाह नहीं करी हो, मैं अपने शरीर को जला करके राख कर दूंगी महाराज, लेकिन किसी नर के साथ में विवाह नहीं करूंगी। और जैसे इतनी बात कही कि मैं नर के साथ में विवाह नहीं करूंगी, तो महाराज सत्यकेत ने कहा, एक बात बता, तू नर के साथ विवाह नहीं करेगी तो किसके साथ में विवाह करेगी। वेदवती बोल पड़ी, पिताजी करी हो ब्याह ब्रह्म के संगा, करी हो ब्याह ब्रह्म के
संगा नरका छुआ न दे बनाए अंगा गई महाराज सत्यकेत के पास और जाकर के बोली पिताजी मैं अपना विवाह नहीं करूंगी मैं आपन विवाह नहीं करी हो उतन तपाई नरको नहीं भरी हो मैं अपने शरीर को जला करके राख कर दूंगी महाराज लेकिन किसी नर के साथ में विवाह नहीं करूंगी किसी मनुष्य के साथ में विवाह नहीं करूंगी। जिस समय इतनी बात कही महाराज सत्यकेत ने कहा पागल हो गई है, अरे किसी मनुष्य के साथ विवाह नहीं करेगी तो किसके साथ विवाह करेगी बोल। जब ये बात कही तो वेदवती ने कहा पिताजी करी हो ब्याह ब्रह्म के संगा और नरका छुअन दे बनाई अंगा। अगर विवाह करूंगी महाराज तो ब्रह्म के साथ करूंगी, किसी मनुष्य को मैं अपने अंगों को छूने नहीं दूंगी। जिस समय इतनी बात कही महाराज सत्यकेत किरणवती से बोल पड़े देवी आज इसको क्या हो गया कि ब्रह्म के साथ विवाह करेगी? ब्रह्म कोई आसान बात है? अरे कहाँ तो ये ब्रह्म मिलेगा। एक बात तो और भैया, ये वेदवती ये बात क्यों कह रही है कि मैं ब्रह्म के साथ विवाह करूंगी, ये बात क्यों कह रही है? अब जरा चलते हैं वेदवती के पूर्व जन्म में। ये वेदवती आज तो महाराज सत्यकेत की बेटी है, यही वेदवती पूर्व जन्म में महाराज कुशल ध्वज की बेटी थी और बाबा बृहस्पति की पोती थी। ध्यान दीजिएगा, महाराज कुशल ध्वज की बेटी थी और बाबा बृहस्पति की पोती थी। महाराज कुशल ध्वज ने अपनी बेटी से कहा था कि बिटिया मैं तुम्हारा विवाह ब्रह्म के साथ कराऊंगा, लेकिन एक पड़ोसी राजा ने क्या किया, महाराज कुशल ध्वज पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में महाराज कुशल ध्वज मारे गए। जब कुशल ध्वज मारे गए तो कुशल ध्वज की जो बेटी थी उसने विचार किया कि चलो पिता नहीं रहे इस दुनिया में पर माँ है, माँ हमारा विवाह ब्रह्म के साथ कराएगी। लेकिन कुशल ध्वज की जो पत्नी थी उन्होंने विचार किया कि जब हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगी, मैं जीवित रह करके क्या करूंगी, मैं भी अपने पति के साथ अपने प्राणांत करूंगी। तो क्या किया, कुशल ध्वज की पत्नी ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। जिस समय उसने भी अपने प्राण त्याग दिए, अब कुशल ध्वज की जो बेटी थी विचार किया उसने कि पिता भी नहीं रहा, हमारे पिताजी ने कहा था कि तुम्हारा विवाह ब्रह्म के साथ कराऊंगा, पिता इस दुनिया में नहीं रहा, माँ के सहारे रहे कि माँ हमारा विवाह ब्रह्म से कराएगी, लेकिन माँ ने भी अपने प्राण त्याग दिए तो अब मैं मेरा विवाह ब्रह्म के साथ में कैसे होगा, और अगर हमारा विवाह किसी नर के साथ हो गया तो हमारे पिताजी की बात चली जाएगी, मेरे पिताजी की बात चली जाएगी। इसलिए अपने पिता की बात को रखने के लिए महाराज कुशल ध्वज की बेटी ने क्या किया, उसने भी अपने प्राण त्याग दिए, उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। वही कुशल ध्वज की बेटी आकर के दूसरे जन्म में महाराज सत्यकेत की बेटी वेदवती बनी है। आज वही बात वेदवती कह रही क्या कि करी हो ब्याह ब्रह्म के संगा, करी हो ब्याह ब्रह्म के संगा नरका छुआ न दे बनाए अंगा। वेदवती कह रही है महाराज सत्यकेत से कि महाराज पिताजी अगर मैं विवाह करूंगी तो ब्रह्म के साथ, किसी नर के साथ विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने शरीर को जला करके राख कर दूंगी कि लेकिन महाराज किसी नर को मैं अपने अंगों को छूने नहीं दूंगी, ये शरीर हमारा ब्रह्म के लिए है। जैसे इतनी बात कही महाराज सत्यकेत ने कहा बिटिया तू ये क्या पागलपन वाली बातें कर रही हो, ब्रह्म मुझे कहाँ मिलेगा जिसके साथ में मैं तेरा विवाह करवाऊंगा। कहा वेदवती ने ब्रह्म मिलेगा, कैसे मिलेगा, तपस्या के बल पर मिलेगा, मैं जाकर के तपस्या करूंगी और उस तपस्या के बल पर मुझे ब्रह्म मिलेगा और फिर मैं उसी ब्रह्म के साथ में अपना विवाह करूंगी।
महाराज सत्यकेत कहने लगे, बेटी तू हमारे एक अकेली बेटी है और अगर तू जाकर के जंगल में बैठ करके तपस्या करेगी तो इस समाज में संदेश क्या जाएगा कि महाराज सत्यकेत की बेटी, उसके जीवन में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो जंगल को तपस्या करने चली गई। इसलिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू तपस्या करने का मन अपने मन से विचार निकाल दे, तपस्या करने मत जा। तू जिसके साथ चाहेगी, एक से एक अच्छे राजकुमार है इस दुनिया में, जिसके साथ चाहेगी उसके साथ विवाह करवा दूंगा, लेकिन ब्रह्म कहाँ मिलेगा। कहने लगी, नहीं पिताजी, मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं विवाह करूंगी तो ब्रह्म से किसी नर के साथ नहीं करूंगी। और अब आप चलिए हमारे साथ में, मैं चलकर के तपस्या करती हूँ। महाराज सत्यकेतु ने बहुत समझाया वेदवती को, लेकिन वेदवती एक भी बात अपने पिता महाराज सत्यकेतु की नहीं मानी। जब नहीं मानी तो अंत में महाराज सत्यकेतु को चलना ही पड़ा, वेदवती को साथ में ले लिया और कहा चल चल करके तू तपस्या कर, देखते हैं कि तपस्या के बल पर तुझे ब्रह्म मिलेगा। अगर तपस्या के बल तुझे ब्रह्म मिल गया तो मैं तेरा विवाह ब्रह्म के साथ करा दूंगा, लेकिन हमारे वश की बात नहीं कि हम जाकर के ब्रह्म को ढूंढे, कहाँ पाएंगे उसे। वेदवती ने कहा बस पिताजी, मैं तपस्या के बल पर ब्रह्म को पाऊंगी और उसी के साथ में अपना विवाह करूंगी। वेदवती महाराज सत्यकेतु को लेकर के चल पड़ी, अपने पिताजी को लेकर के चल पड़ी, राजमहल छोड़ दिया। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। जिस समय जंगल में पहुंची, एक वृक्ष के नीचे वेदवती बैठ गई। कहने लगी पिताजी, मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करूंगी और आप इसी जगह पर रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। महाराज सत्यकेतु ने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक है तो तपस्या कर। ठंडक का महीना था, वेदवती तो बैठ गई तपस्या करने के लिए। और जिस समय तपस्या करने के लिए बैठी तो अस कहि श्वास चढ़ाई प्रचंडा, बैठ गई और वृक्ष के नीचे बैठ करके एकदम अपने श्वास को ऊपर खींच लिया, ऊपर की श्वास ऊपर, नीचे के श्वास नीचे, अखंड समाधि लगा दी। और जिस समय अखंड समाधि लगाई, महाराज सत्यकेतु ने विचार किया ठंडक का महीना है, ऐसे कैसे बैठ मिलेगा, लाओ इसी जंगल से कुछ लकड़ियां ले आए और उन्हीं लकड़ियों को जला करके अग्नि के सहारे बैठा रहूंगा, ऐसे बैठा नहीं जा सकेगा। इसलिए महाराज सत्यकेतु क्या करते हैं, आज वहां से चल पड़े लकड़ियां लेने के लिए। जिस समय लकड़ियां लेने के लिए जाते, इधर वेदवती तपस्या करने में व्यस्त है, तपस्या कर रहे। आज वेदवती बैठ गई, महाराज सत्यकेतु उसी जंगल में लकड़ियां लेने चले गए कि लकड़ियों के सहारे जब जला करके लकड़ियों को जलाऊंगा तो आग के सहारे तो बैठा जा सकता है ठंडक में, और ऐसे अगर कह दिया जाए भैया कि आधे घंटे बैठ जाओ तो बैठ पाओगे, नहीं बैठ पाओगे। और अगर आग के सहारे कह दिया जाए तो बोलो पूरी रात को आग के सहारे बैठे रहो, बैठे रहोगे और एक सहारा बन जाता है। आप अग्नि जलाइए, उसके बाद में भले ही उसमें आग ना रह जाए, भले ही राखी हो, लेकिन उसके सहारे बैठे रहोगे कि नहीं, सहारा एक बन जाता है।
महाराज सत्यकेत ने विचार किया कि ऐसे कैसे बैठ पाएंगे। लाओ इसी जंगल से लकड़ियां ले आए और उन्हीं लकड़ियों को जला करके आग के सहारे बैठा रहूंगा। कड़ाके की सर्दी हो रही, जाड़ा हो रहा। महाराज सत्यकेत क्या करते, उसी जंगल में लकड़ियां लेने चले गए। वेदवती बैठी तपस्या कर रही, इधर क्या हुआ, रावण पुष्पक विमान पर बैठा हुआ आकाश मार्ग से जा रहा था उसी जंगल के ऊपर से। ध्यान दीजिएगा, उसी जंगल के ऊपर से आकाश मार्ग से अपने विमान पर बैठा हुआ अपनी लंका को जा रहा था और रावण उसी जंगल को देखता हुआ जा रहा था। विचार करता, बड़ा घनघोर जंगल है, बड़ा घनघोर जंगल, यही देखते हुए जा रहा था। तब तलक रावण की दृष्टि वेदवती पर पड़ गई और जब रावण ने वेदवती को देखा तो विचार किया, इतने घनघोर जंगल में ये लड़की अकेली बैठी क्या कर रही है, लाओ चल करके देखता हूँ आखिर ये कौन है, कहाँ से आई है और अकेले इसमें बैठी, जंगल में इतने बड़े घनघोर जंगल में अकेली बैठी। रावण ने क्या किया, अपने पुष्पक विमान को नीचे उतारा। जिस समय विमान को नीचे उतारा, जहां पर वेदवती जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, पासे में जाकर के विमान उतारा और विमान को उतार करके स्वयं विमान से नीचे उतरा और चारों तरफ देखता है, कोई दिखाई नहीं दिया। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो सोचने लगा कोई इसके साथ में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, आखिर ये कौन है, कहाँ से आई है, यहाँ बैठी क्या कर रही। रावण धीरे धीरे बढ़ा तो सुन विपिन तप करती सुहाड़ा, सुन विपिन तप करती सुहावा, ले विमान रावण तहावा, रावण अपने विमान से नीचे उतरा और नीचे उतर करके वेदवती के पास में गया, चारों तरफ देखा कोई नजर नहीं आए तो वेदवती से बोल पड़ा, कहता है लड़की तू कौन है, कहाँ से आई है, तेरा नाम क्या है और यहाँ बैठी क्या कर रही है। जब रावण ने इतने सवाल किए लेकिन फिर भी वेदवती की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। रावण कहा सुनो सुकुमारी, कहा सुनो सुकुमारी, कौन तुम्हारा पिता महाता, सुकुमारी कौन तुम्हारा पिता महातारी। जब लड़की उतर नहीं दीना, रावण तुरत भुजा गहलीना, जब लड़की उतर नहीं दीना, रावण तुरत भुजा गहलीना। रावण पास में गया और जाकर के बोला, ए लड़की तू कौन है, तेरे माता और पिता का क्या नाम है, तू यहाँ पर क्या कर रही बैठी। लेकिन रावण की आवाज वेदवती के कानों तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची भैया, क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि वेदवती ब्रह्म की तपस्या में लीन है। वेदवती ब्रह्म की तपस्या में लीन है और जो ब्रह्म की तपस्या में लीन हो जाएगा उसे संसार की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, और जब तक संसार की आवाज सुनाई पड़ेगी तब तक हम ब्रह्म में लीन नहीं हो सकते। आज वेदवती ब्रह्म की तपस्या में लीन है इसलिए रावण की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, और जब रावण की आवाज सुनाई नहीं पड़ी तो रावण को क्रोध आ गया। जब रावण ने पूछा, वेदवती की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला, अच्छा उत्तर तो तभी मिलेगा अगर वेदवती ने रावण की आवाज को सुना होता, बात को सुना तो होता तब तो उत्तर देती, अगर बातें को नहीं सुना तो उत्तर कैसे देगी, बताओ देगी उत्तर। जब वेदवती की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तो रावण को क्रोध आ गया। रावण ने विचार किया कि मैंने इससे पूछा और इसने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। रावण को क्रोध आया, आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके वेदवती के हाथ को पकड़ लिया। भैया जैसे वेदवती के हाथ को पकड़ा उसी समय वेदवती की समाधि टूट गई, और जैसे वेदवती की समाधि टूटी जब वेदवती की आंखें खुली तो क्या देखा, कन्या देख्यो भेष कराला, कन्या देख्यो भेष कराला, कन्या देख्यो भेष कराला।
नारी उठी तत्काला। की आंखें खुली तो सामने रावण का विकराल रूप देखा, और जब रावण का विकराल रूप देखा तो लगी वेदवती चिल्लाने, और जिस समय उस जंगल में चिल्लाई तो उसी जंगल में दिलीप नाम के एक राजा थे। महाराज दिलीप उसी जंगल में शिकार खेलने आए, जिस समय वो शिकार खेलने आए उस जंगल में वेदवती के चिल्लाने की आवाज गूंज रही। जब महाराज दिलीप के कानों में एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई पड़ी तब हुआ क्या, नप दिलीप सो गया हुसिकारा। कानन परी सुता चितकारा। दृष्टि उठाई लखनऊ मही पाला, भूप की सुता गहे दस भाला। उसी जंगल में महाराज दिलीप जो थे शिकार खेलने के लिए आए, जब महाराज दिलीप के कानों में लड़की के रोने की आवाज सुनाई पड़ी तो महाराज दिलीप विचार करने लगे, इतने घनघोर जंगल में लड़की की आवाज कहाँ से आ रही, इतने घनघोर जंगल में लड़की की आवाज कहाँ से आ रही। जिधर से आवाज आ रही थी महाराज दिलीप जो थे धीरे धीरे उधर ही बढ़ते गए, और जब उधर ही बढ़ते गए अपनी दृष्टि को उठाया, और जैसे दृष्टि उठाई तो दृष्टि उठाई लख्यो मही पाला, ओ भूप की सुता गहे दस भार। महाराज दिलीप ने जैसे ही दृष्टि उठा करके देखा तो क्या देखा, अरे ये तो रावण है जो महाराज सत्यकेतु की बेटी को पकड़े हुए हैं। अब महाराज दिलीप विचार करने लगे कि मैं एक राजा हूँ तो राजा होने के नाते मेरा ये धर्म बनता है कि मैं इस लड़की की रक्षा करूँ, लेकिन समस्या ये है कि अगर मैं जाकर के रावण से युद्ध करूँ तो ये रावण हमारे मारने से नहीं मरेगा, मेरे मारने से नहीं मरेगा, क्योंकि एक बार महाराज दिलीप में और रावण में घमासान युद्ध हुआ। जब घमासान युद्ध हुआ काफी दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन महाराज दिलीप रावण को मार नहीं पाए। जब मार नहीं पाए तो महाराज नारद बाबा जो थे दिलीप के पास में पहुंच गए और कहने लगे, राजन तुम क्यों इस रावण के चक्कर में पड़े हो। महाराज दिलीप ने कहा मैं इसे जान से मार देना चाहता हूँ। जैसे इतनी बात कही तो नारद बाबा ने कहा जान से इसे तुम क्या मारोगे, ये तुम्हारे हाथों से मरने वाला नहीं है, इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों से नहीं लिखी। तो कहा फिर कहा तुम्हारे ही वंश में एक ऐसा पुत्र होगा जिसके हाथों यह रावण मारा जाएगा। ए भैया महाराज दिलीप के ही वंश में यानी सूर्य वंश में ही जब भगवान राम का अवतार हुआ तो राम के हाथों रावण मारा गया। आज महाराज दिलीप वही सोच रहे हैं कि अगर मैं जाकर के इस रावण से युद्ध करूं तो ये हमारे मारने से मरेगा भी नहीं, तो इससे जाकर के युद्ध करना भी बेकार, क्योंकि नारद बाबा बता ही चुके हैं मम कर दुष्ट की मृत्यु नाही। मम कर दुष्ट की मृत्यु नाही, मम कर दुष्ट की मृत्यु नाही, मम कर दुष्ट की मृत्यु नाही, मम कर दुष्ट की मृत्यु नाही। नारद वचन कहो मोहे पाही, 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 नारद वचन कहो। महाराज दिलीप ने विचार किया कि अगर मैं जाकर
जाकर के रावण से युद्ध करूं तो हमारा इसके साथ में युद्ध करना भी बेकार है, क्योंकि ये हमारे मारने से मरेगा है नहीं, तो इससे युद्ध करना बेकार है। लेकिन महाराज सत्यकेतु की कन्या को, उनकी बेटी को ये रावण पकड़े हैं, और मैं एक राजा हूँ और मैंने देखा है, तो एक राजा का धर्म तो यही है कि इस लड़की की रक्षा करे, इस लड़की की रक्षा करे। महाराज दिलीप सोचने लगे कि इस लड़की की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पर रक्षा हित धर्म प्रधान, पर रक्षा हित धर्म प्रधान, अस कही त्रणहि बाण संधान, कि ये हमारा धर्म बनता है कि मैं एक राजा हूँ और राजा होने के नाते इस लड़की की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए महाराज दिलीप ने क्या किया, जहाँ पर खड़े थे उसी जगह से नीचे से एक तृण को उठाया और तृण को उठा करके अपने धनुष पर चढ़ाया, और धनुष पर चढ़ा करके आज उस तृण से कहने लगे, महाराज दिलीप सुनो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम जाकर के रावण के पैर में लगना जब तक महाराज सत्यकेतु ना आ जाए। महाराज दिलीप जो है तृण रूपी बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया और धनुष पर चढ़ा करके रवि मंत्र पढ़ करके छोड़ा। पढ़ी रवि मंत्र कहा समझाई, 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 धरिधम को रावण पर जाई, 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 क्या किया, उस तृण रूपी बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया और रवि मंत्र पढ़ करके यानी सूर्य मंत्र पढ़ करके उस तृण रूपी बाण को छोड़ा और कहा जाओ जा करके रावण के पैर में लगना, और जब तलक महाराज सत्यकेतु वापस ना आ जाएं तब तलक ये रावण वहां से जाने ना पाए। जिस समय उस तृण रूपी बाण को इतना समझाया और इतना समझाने के बाद में जिस समय उस तृण रूपी बाण को छोड़ा है महाराज दिलीप ने, आज वो बाण बड़ी घर्राहट के साथ चला है, ध्यान दीजिएगा, आज वो बाण बड़ी घर्राहट के साथ चला, और जिस समय घर्राहट के साथ चला है तो पढ़ी रवि मंत्र कहाँ समझाई, पढ़ी रवि मंत्र कहाँ समझाई, धरी धाम को रावण पर जाए, पढ़ी रवि मंत्र कहाँ समझाई, पढ़ी रवि मंत्र कहाँ समझाई,
महाराज दिलीप ने जिस समय उस तृण रूपी बाण को छोड़ा, समझा दिया जाओ जाकर के रावण के पैर में लगना और जब तक महाराज सत्यकेत वापस ना जाए लकड़ियां लेकर के तब तक रावण वहां से जाने ना पाए। और इतना कह करके जिस समय बाण को छोड़ा, आज वो बाण बड़ी घर्राहट के साथ में चला है। पूरे जंगल में घर्राहट की आवाज गूंजने लगी। रावण चारों तरफ देखने लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है, ये आवाज कहाँ से आ रही, चारों तरफ देखने लगा लेकिन देख न पाया कहाँ से आवाज आ रही। इधर वो बाण आकर के रावण के पैर में लगा है और जैसे रावण के पैर में बाण लगा वैसे रावण मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गया। अब पृथ्वी पर पड़ा है, वेदवती रो रही। तब तलक क्या हुआ, महाराज सत्यकेत लकड़ियों का गट्ठल अपने सर पर रखे हुए वहीं पर आ पहुंचे और जैसे लकड़ियों का गट्ठल पृथ्वी पर डाला वैसे ही रावण की मूर्छा दूर हो गई। रावण की मूर्छा दूर हो गई, रावण उठकर के खड़ा हुआ और जैसे उठकर खड़ा हुआ तो ये महाराज सत्यकेत ने देख लिया। दौड़ करके गए महाराज सत्यकेत रावण के पास और जाकर के बोल पड़े, सुनो भूप पूछ कहाँ थे बलिढारा। महाराज सत्यकेत जाकर के रावण से पूछा, अरे तुम यहाँ जमीन पर पड़े थे, क्या बात है। भूप पूछ कहाँ थे बलिढारा, रावण कहती करती विश्रामा। झटपट रथ ही संभारन लागा, झटपट रथ ही संभारन लागा, हुई सवार लंका कह भागा, हुई सवार लंका कह भागा, हुई सवार लंका महाराज सत्यकेत पहुंचे हैं रावण के पास और रावण से जाकर के बोले, अरे रावण तुम यहाँ पृथ्वी पर पड़े थे। रावण ने सोचा कि हमारी बात न खुल जाए इसलिए रावण ने कहा, कुछ नहीं महाराज, थोड़ा दूर से आ रहे थे, थकान महसूस हुई तो थोड़ा आराम कर रहे थे। महाराज सत्यकेत ने कहा, आराम कर रहे थे वो तो, वो भी जमीन पर पृथ्वी पर। अरे हाँ, थकान लग गई थी इसलिए लेट गया, अब तो मैं चलना चाहता हूँ। रावण तुरंत अपने रथ पर बैठा, विमान पर बैठा और अपनी लंका की ओर प्रस्थान कर गया। रावण तो लंका चला गया लेकिन इधर रावण गयो लंका के माही, रावण गयो लंका के माही, रावण गयो लंका के माही, रोवई सुता बिपिन के पाही, 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 रावण गयो लंका के माही, रावण गयो लंका के माही, रोवई सुता बिपिन के माही, रोवई सुता बिपिन के माही, रोवई सुता बिपिन के माही। रावण तो अपनी लंका को चला गया, इधर वेदवती उसी जंगल में खड़ी खड़ी रो रही। अब महाराज सत्यकेत अपनी बेटी वेदवती के पास आए और वेदवती से आकर के बोल पड़े, बिटिया तुम काहे को रो रही हो, तुम तो तपस्या कर रही थी पर तुम क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई। अच्छा मैं समझ गया, मैं यहाँ पर नहीं था ना इसलिए रो रही हूँ। अरे मैं गया कहीं थोड़ी ना था, मैं तो थोड़े लकड़ियाँ लेने गया था, लेकिन तुम तो तपस्या कर रही थी तो तुम्हें तपस्या करनी चाहिए थी। जैसे ही महाराज सत्यकेत ने आकर के पूछा है, बिटिया क्या बात हो गई, तुम क्यों रो रही हो। भूप पूछ के ही कारण रोई, ओ कहा सुता अनर्थ भासोई। पिताजी अनर्थ हो गया। महाराज सत्यकेत ने जब पूछा कि बिटिया क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, वेदवती कहने लगी, पिताजी अनर्थ हो गया।
अनर्थ हो गया। महाराज सत्यके तूने कहा क्या अनर्थ हो गया, बात तो बताओ। बात क्या हो गई? वेदवती कहने लगी, पिताजी अब क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। तो कहा नहीं नहीं मुझे बताओ बात क्या है, आखिर तुम कह रही हो अनर्थ हो गया तो क्या अनर्थ हुआ ये तो बता मुझे। आज वेदवती बोल पड़ी, पिताजी मम कर दुष्ट गयो बर जोरा, पिताजी मम कर दुष्ट गयो बर जोरा, होई अपवित्र गयो तन मोरा। सत्यकेतु ने पूछा कि बिटिया क्या बात हो गई, तुम क्यों रो रही हो? वेदवती ने कहा पिताजी अनर्थ हो गया। तो कहा क्या अनर्थ हुआ? कहा अनर्थ ये हो गया, ये दुष्ट पापी रावण ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, ये मेरा शरीर अपवित्र हो गया है, मेरा शरीर अब अपवित्र हो गया महाराज, और अब ये शरीर जो है ये ब्रह्म के लायक नहीं बचा है, अब मेरा यह शरीर ब्रह्म के लायक नहीं बचा है, इसलिए अब मैं इस शरीर को भी न रखूंगी। जिन लकड़ियों को आप भीन करके लाए हो इनकी सुंदर चिता बनाओ, उसी चिता पर बैठ करके मैं जल करके राख हो जाऊंगी, पर अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। महाराज सत्यकेत रोने लगे, बेटिया तू वापस महलों को लौट चल, मैं तेरा विवाह एक अच्छे राजकुमार के साथ में कर दूंगा। वेदवती ने कहा नहीं पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं विवाह करूंगी तो ब्रह्म के साथ में, लेकिन अब ये ब्रह्म के लायक शरीर नहीं बचा है, दुष्ट पापी रावण ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, छू लिया, मेरा शरीर अपवित्र हो गया, अब इस अपवित्र शरीर को मैं क्या करूंगी, ये ब्रह्म के लायक नहीं बचा, जो चीज ब्रह्म के लायक नहीं मैं उसे अब रखने वाली नहीं हूं, इसलिए आप जिन लकड़ियों को बीन के लाए हो, जब हमारी सारी बातें आप मानते चले आए तो अंत में एक बात और मान लीजिए, जिन लकड़ियों को आप बीन करके लाए उनकी सुंदर चिता बनाओ, उसी चिता पर बैठ करके मैं जल करके राख हो जाऊंगी। महाराज सत्यकेत ने बहुत समझाया,
लेकिन वेदवती महाराज सत्यकेत की एक भी बात को नहीं माना। जब नहीं माना, अंत में महाराज सत्यकेत ने क्या किया, जिन लकड़ियों को बीन करके लाए थे तापने के लिए, जलाने के लिए, आज उन्हीं लकड़ियों की चिता बना रहे हैं। महाराज सत्यकेत रोते जा रहे और चिता बनाते जा रहे, अपने आप को कोसते जा रहे हैं कि मैं कैसा अभागा पिता हूं जो अपनी जीती जागती बेटी के लिए चिता तैयार कर रहा हूं। मेरी जैसी किस्मत तो भगवान किसी को न दे, मेरी जीवित बेटी खड़ी है मेरे सामने और मुझसे कहती है कि मैं उसके लिए चिता बनाऊं। रोते जाते और चिता बनाते जाते, जब चिता बन करके तैयार हो गई, वेदवती जाकर के उसी चिता पर बैठ गई। और जिस समय जाकर के उस चिता पर बैठी है, योग माया के द्वारा उस चिता में अग्नि प्रकट हो गई। और जिस समय योग माया के द्वारा चिता में अग्नि प्रकट हुई, आज वेदवती उसी चिता पर जल करके भस्म हो जाती है। यही वेदवती जाकर के कहां पहुंची, जरा ध्यान देंगे, कि चिता जलाई जली सोई ठाई, सोई ठाही प्रगति जनक पुरी ले जाई, जलाई जली सोई ठाई, ओ प्रगति जनकपुरी में जाई। यही वेदवती जाकर के जनकपुर में प्रकट हुई है, जो महाराज जनक की बेटी कहलाई। ध्यान दीजिएगा, जो महाराज जनक की बेटी कहलाई, जो सीता नाम से प्रसिद्ध हुई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यही सीता जब पूर्व जन्म में, यानी पूर्व जन्म के भी पूर्व जन्म में, जब ये महाराज कुशल ध्वज की बेटी थी, ध्यान दीजिएगा, जब ये कुशल ध्वज की बेटी थी, तब क्या इनका प्रण पूरा हो पाया था ब्रह्म के साथ विवाह करने का? बोलो, विवाह करने का प्रण पूरा हो पाया था? नहीं पूरा हो पाया था ना। वही कुशल ध्वज की बेटी जब दूसरे जन्म में आकर के महाराज सत्यकेतु की बेटी वेदवती हुई, क्या तब इनका दूसरे जन्म में प्रण पूरा हो पाया ब्रह्म के साथ विवाह करने का? नहीं पूरा हो पाया। वही वेदवती जब तीसरे जन्म में आकर के महाराज जनक की पुत्री सीता हुई हैं, बोलो तीसरे जन्म में इनका प्रण पूरा हुआ ब्रह्म के साथ विवाह करने का? तीसरे जन्म में पूरा हुआ ना। वही ब्रह्म आकर के महाराज दशरथ के पुत्र राम बने हैं, ध्यान दीजिएगा, वही ब्रह्म आकर के महाराज दशरथ के पुत्र राम बने, अपने अंशों सहित आए थे। महाराज दशरथ के पुत्र राम बने, जब राम जी के साथ में भगवती सीता का विवाह हुआ, तो बोलो सीता जी का तीसरे जन्म में प्रण पूरा हुआ ब्रह्म के साथ विवाह करने का? पूरा हो गया ना। इस प्रकार से आदि शक्ति जनकपुर में आई, महाराज जनक की पुत्री बनी। लेकिन एक बात और सुने, ये सीता जी जो हैं, सीता जी की असली माँ कौन है जानते हो? सीता जी की असली माँ कौन है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। महाराज जनक और जो सुनैना है, महाराज जनक की जो पत्नी है सुनैना, ये केवल सीता जी को इन्होंने केवल इनका लालन पालन किया है। किसने? महाराज जनक ने और सुनैना ने केवल सीता का लालन पालन किया। ये पालने वाली माता पिता हैं, लेकिन इनकी असली माँ कौन है? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी से ही सीता जी का प्रागट्य हुआ है। अब और सुने, पृथ्वी में सीता जी कैसे आई, ध्यान दीजिएगा। ये कहा जाता है कि सीता जी रावण की भी पुत्री हैं, ध्यान दीजिएगा, सीता जी रावण की भी पुत्री हैं। रावण की पुत्री कैसे हैं, जरा ध्यान देंगे। और इनका नाम सीता क्यों पड़ा, इनका नाम सीता क्यों पड़ा? एक समय की बात, रावण जो था ऋषियों के पास में जाता था कर लेने के लिए, ऋषियों के पास में कर लेने के लिए जाता था। एक बार रावण गया ऋषियों के पास में कर लेने के लिए। एक ऋषि थे जो ब्राह्मण थे, जिनका नाम था गृत्समदा, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम था? गृत्समदा नाम के एक ब्राह्मण थे।
तो रावण जाकर के ग्रत मदा नाम के घर में पहुंचा, उनके वहां जिस समय पहुंचा कर लेने के लिए। लेकिन जब वहां पर गया तो क्या देखा कि उस समय ग्रत मदा नाम के जो ब्राह्मण थे वो अपने घर में नहीं है। जब देखा रावण ने कि अपने घर में नहीं है तो रावण को क्रोध आ गया। रावण ने विचार किया कि शायद ये इसलिए मुझे अपनी कुटिया में नहीं मिले, ये जानते होंगे कि वो मुझसे रावण आएगा, मुझसे कर मांगेगा, इसी डर के मारे यहाँ से चले गए। लेकिन ग्रत्स मदा नाम के जो ब्राह्मण थे उनके मन में एक लालसा थी कि मुझे एक पुत्री मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, उनके मन में एक इच्छा थी कि मुझे एक पुत्री मिल जाए, इसलिए वो करते क्या थे। ग्रत्स मदा नाम के ब्राह्मण के पास में एक घड़ा था और उसी घड़े में क्या करते थे, एक कटोरी में ग्रत्स मदा नाम के जो ब्राह्मण थे कटोरी में दूध लेते और एक कुश का तिनका लेते थे। उस कुश का तिनका उसी दूध में डुबाते थे और फिर वही तिनका घड़े में करते थे। घड़े में एक एक बूंद रोज उस कुश के माध्यम से ग्रत्स मदा नाम के जो ब्राह्मण थे कुश के माध्यम से रोज एक एक बूंद उसी घड़े में गिराते थे दूध का और यही कहते थे कि हे प्रभु मुझे एक पुत्री चाहिए, मुझे एक पुत्री चाहिए। लेकिन आज समय के अनुसार आज वो अपनी कुटिया में नहीं और रावण आ गया कर लेने के लिए। जब रावण कर लेने के लिए आया तो देखा ग्रत्स मदा नाम के ब्राह्मण नहीं है, उसे क्रोध आया तो उसने क्या किया, कर के रूप में उस घड़े को ही उठा लिया, उस घड़े को ही उठा लिया और घड़े को लेकर के संतों के आश्रम पर पहुंच गया और कहने लगा जिस संत के आश्रम पर पहुंचता कहता मुझे कर दो। जो संत ये बात कह देते हैं कि हमारे पास में कर देने के लिए कुछ नहीं है तो हम तुम्हें कर के रूप में क्या दें, मेरे पास कुछ नहीं, तो रावण कहता कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास में कुछ नहीं है तो तुम अपना खून मुझे दे दो। कर के रूप में ऋषियों का खून रावण ले लेता था और वही खून उसी घड़े में भरता जाता था। ध्यान दीजिएगा, अब वो घड़ा लेकर के रावण चल पड़ा, पहुंचा अपनी लंका में। जब लंका में पहुंचा उस घड़े को एकदम ढक दिया और जाकर के मंदोदरी को दे दिया। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया और मंदोदरी से कहा कि देखो ऐसा है, इस घड़े को खोलना नहीं, चुपचाप इसको जाकर के रख दो, इसे देखना नहीं और मैं बाहर जा रहा हूँ। जैसे इतनी बात कही कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, इतनी जल्दी वापस नहीं आऊंगा, 6-7 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है, इसलिए इसको खोलना नहीं, चुपचाप धरा रहने देना। कहा ठीक है, रावण वहां से चला गया। अब मंदोदरी एक दिन बैठ करके सोचने लगी कि कभी हमसे मेरे स्वामी कोई बात नहीं छिपाते हैं, लेकिन इस घड़े में ऐसी कौन सी चीज है जो ये हमसे छिपा रहे हैं, इस घड़े में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे छिपा रहे हैं। मंदोदरी ने विचार किया कि अब तो मैं देख करके रहूंगी कि इसमें क्या है। मंदोदरी क्या करती, उस घड़े को जिस समय खोला तो घड़े के अंदर झांका तो क्या देखा कि उसमें दूध भी है, खून भी है, सफेदी भी मार रहा है और ललारी भी मार रहा है। और विचार करने लगी मंदोदरी, ये इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, थोड़ी सफेदी है और थोड़ी ललारी है, आखिर है क्या इसमें, जो दूध था वो सफेदी मार रहा था और जो खून था वो ललारी मार रहा था। आज मंदोदरी सोचने लगी कि आखिर ये है क्या, लाओ इसका पान करें, कोई अच्छी चीज होगी। जैसे कहा लाओ इसका पान करें, मंदोदरी ने क्या किया, उस दूध और उस खून को पी गई। जब उस दूध और खून को पी गई, जो एक में ही मिक्सर था, उसको जब पी गई, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो मंदोदरी गर्भ से हो गई। ध्यान दीजिएगा, मंदोदरी गर्भ से हुई और जिस समय मंदोदरी गर्भ से हुई, जब मंदोदरी को ये बात मालूम हुई कि मैं गर्भ से हूँ, तो सोचने लगी मंदोदरी कि हमारे स्वामी यहाँ लंका में नहीं है, मेरे पास नहीं है, और जब लौट करके वो आएंगे, 6-7 महीने तो व्यतीत हो गए और कह रहे थे कि साल भर भी लग जाएगा, और जब वो वापस लौट करके आएंगे और जब देखेंगे हमारी ऐसी दशा तो भला वो अपने मन में क्या सोचेंगे, अपने मन में क्या सोचेंगे। इसलिए मंदोदरी ने सोचा कि मैं अपने पति के नजरों के सामने एकदम साफ रहूं, किसी प्रकार से कलंकित ना हो जाऊं, इसलिए मंदोदरी ने क्या किया, उस गर्भ को गिरा दिया और उसी गर्भ को गिराने के बाद उसी घड़े में रख दिया। जब घड़े में रखा, लेकर के घड़ा आज चल पड़ी मंदोदरी, विचार करती है कि इसको ले जा करके
कहीं पृथ्वी के नीचे इसको गाड़ दें, कहां गाड़े कहां ले जाएं, तो आई है कहां, जनकपुर की भूमि पर आई है। ध्यान दीजिएगा, मंदोदरी जनकपुर की भूमि पर आई। आज जनकपुर की जब भूमि पर आई तो वहीं पर ही उस घड़े को पृथ्वी को खुदवा करके उसी घड़ों को पृथ्वी के नीचे मुदवा दिया और फिर वहां से वो चली गई। अब जब चली गई जनकपुर में अकाल पड़ गया। ध्यान दीजिएगा, जनकपुर में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, चराचर जीव बड़ा परेशान है, नर नारी बड़ा परेशान। महाराज जनक के पास में जाते हैं और कहते हैं कि एक बात बताओ, आप हमारे राजा हो, आप कोई उपाय करो जिससे कि जनकपुर में बारिश हो, चराचर जीवों का कल्याण हो, नर नारियों का कल्याण हो। महाराज जनक ने कहा ठीक है, परेशान मत हो, मैं कोई उपाय करूंगा। महाराज जनक ने साधु संत महात्माओं से ये बात कही। साधु संत महात्माओं ने कहा राजन तुम्हारे वहां बारिश होगी, अगर तुम अपने इस पृथ्वी पर जनकपुर में अगर तुम हल चलाओ तो बारिश होगी, अन्यथा बारिश की संभावना नहीं है। महाराज जनक ने कहा अगर ऐसे बारिश होगी तो मैं हल चलाऊंगा। महाराज जनक ने क्या किया, जनकपुर की भूमि पर जिस समय हल चलाया, हल चला रहे थे, हल चलाते चलाते क्या हुआ, हल का जो अग्रभाग होता है वो उसी घड़े में अटक गया। ध्यान दीजिएगा, उसी घड़े में अटक गया। जब हल का अग्रभाग घड़े में अटका, उस अग्रभाग को क्या कहते हैं मालूम है, हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हल्का जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग होता है उसको सीत कहते हैं। वो सीत भाग जो था घड़े में अटक गया। जब घड़े में अटका तो महाराज जनक सोचने लगे कि आखिर ये हल हमारा अटक कहाँ गया। क्या किया, उसको उसी जगह पर खुदवाया कि इसको यहाँ पर खोदो, देखते हैं काहे में हल अटका। जैसे उसको खुदवाया गया, पृथ्वी को जब खुदवाया गया तो उसी पृथ्वी से वो घड़ा निकला है। ध्यान देंगे, जब वो घड़ा निकला, महाराज जनक ने उस घड़े के अंदर देखा तो उसी घड़े में एक नवजात शिशु कन्या खेल रही है। ध्यान देंगे, वो कन्या खेल रही। महाराज जनक ने जिस समय उस कन्या को देखा, साधु संत महात्माओं को बुलाया, कहा महाराज ये पृथ्वी से घड़े से कन्या हुई। साधु संतों ने देखा जिस समय उस कन्या को, कहा राजन ये कन्या अब तुम्हें मिल गई है, तो अब जाकर के तुम इस कन्या का लालन पालन करो, ये कहो कि भगवान ने तुम्हें कन्या के रूप में, प्रसाद के रूप में इस कन्या को दे दिया है, तुम्हारे भी कोई संतान नहीं थी इसलिए अब तुम इस कन्या को अपना लो और इसे अपनी बेटी मान लो। महाराज जनक ने क्या किया, उसी क्षण उस कन्या को लिया गोद में, और गोद में जब लिया तो साधु संतों से कहा महाराज अब यह कन्या तो हमारी हो ही गई है, इसका नाम भी आप रख दीजिए। साधु संतों ने विचार किया, इसका नाम सुनो, हल्का जो अग्रभाग है जिसको सीत कहते हैं, सीत से ही ये घड़ा अटका, और इसलिए इस कन्या का नाम मैं सीता रख रहा हूं, इस कन्या का नाम सीता रख रहा हूं। साधु संतों के द्वारा उस कन्या का नाम सीता रखा गया। महाराज जनक उस कन्या को लेकर के अपने राजमहल चले आए और राजमहल आकर के उस कन्या का लालन पालन करने लगे। यही आगे चल के भगवती सीता हुई है। बात समझ में आ गई, कहने का मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विध सब संता। परमात्मा अनंत है, परमात्मा की कथाएं भी अनंत हैं। अब ये रावण की भी पुत्री सीता जी मानी जाती हैं, क्योंकि रावण ने एक बार ये भी कहा था कि जब मैं भगवान से निवेदन किया था कि जब मैं अपनी ही बेटी पर दृष्टि डालूं तो अपनी बेटी के ही द्वारा हमारी मृत्यु हो, मेरी बेटी ही मेरे मौत का कारण बने। बोलो सीता ही तो रावण के मौत का कारण बनी भैया। अगर रावण सीता जी का हरण ना करता तो क्या रावण मारा जाता, बोलो मारा जाता। अपनी ही बेटी के कारण रावण की मृत्यु हुई थी भैया। आइए, इस प्रकार से आदिशक्ति भगवती सीता का भी जन्म हुआ। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले शंकर भगवान की, आदिशक्ति मैया की, हनुमान जी महाराज की, जयकारा भैया। भाव के साथ में ताली बजाते सब लोग बोलेंगे कि बजाई दे रसिया, अरे बजाई दे रसिया, बजाई दे रसिया कि बजाई दे रसिया, तनिक धीरे धीरे मुरली बजाई दे रसिया, तनिक धीरे धीरे मुरली बजाई दे रसिया।
रसिया, अरे बजाय दे रसिया की बजाय दे रसिया, तन क धीरे धीरे मुरली बजाय दे रसिया, तन क धीरे धीरे मुरली बजाय दे रसिया, तन धीरे धीरे मुरली बजाय दे रसिया, 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 तन धीरे धीरे मुरली बजाय दे रसिया, तन धीरे धीरे मुरली बजाय दे रसिया, बजाय दे रसिया, हे बजाय दे रसिया, हाँ बजाय दे रसिया, तन बजाय दे रसिया, धीरे धीरे सब सखिया मिले रास रचावे, सब रसिया मिले रास रचावे, सब सखिया मिले रास रचावे, हाँ सब सखिया मिले रास रचावे, सब सखिया मिले रास रचावे, सब रसिया मिले रास रचावे, बजाय दे रसिया, हाँ बजाय दे रसिया, धीरे धीरे मुरली बजाय दे रसिया, तनी धीरे धीरे मुरली बजाय दे रसिया, बजाय दे रसिया, हाँ बजाय दे रसिया, बजाय दे रसिया, बजाय दे रसिया, तनी धीरे धीरे मुरली बजाय दे रसिया, तनी धीरे धीरे मुरली बजाय दे रसिया। बोले शंकर भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे, भगवान की पावन आरती। बोले शंकर भगवान की, जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। सभी भक्त भगवान की पावन आरती करेंगे। बोले साचे दरबार की, जय हो। अति पार ब्रह्म ईश्वर की, आज
पिता की बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भगवान का गौबध भारत ओम उमा पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्गवाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति च शान्ति भवन्तु। सभी भैया दादा और माताएं मैंने अपने पान स्थान पर बैठ जाएं, सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर जाएंगे।